स्टार्ट कर रहा हूँ आज अपनी सरफेजी की फर्स्ट क्लास है। तुमको दिख रहा होगा नीचे पोडियम पे दिखा हुआ सरफेजी लॉ। ये बेसिकली किसके लिए आया है? बैंक्स के लिए आया है। किसके लिए आया है? बैंक्स एंड अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनके भले के लिए आया है ये। सो दिस लॉ हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ बैंक्स एंड अदर सिक्योर क्रेडिटर्स। व्हाट अदर सिक्योर क्रेडिटर्स कैन यू इमेजिन? सर, सिक्योर क्रेडिटर्स कैन बी एनीबडी, इट कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी एन एनबीएफसी, इट कैन बी यू और मी। अगर हम लोग भी किसी को लोन दे रहे हैं एंड वी आर टेकिंग सम असेट एज मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन, देन वी आर ऑल्सो व्हाट? सिक्योर क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर सिक्योर क्रेडिटर्स, यस और नो? डिबेंचर होल्डर्स भी तो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं। सोच के देखो आप जरा। मैं तुम लोग एक चीज बोलता हूँ, क्लास 11 में तुमने एक नाम सुना होगा, नेकेड डिबेंचर, बंद हो चुका है। नेकेड डिबेंचर का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, बंद हो चुका है। अभी कंपल्सरी नियम आ चुका है दैट डिबेंचर्स हैव टू बी सिक्योर्ड, सेक्शन नंबर 71 ऑफ कंपनी लॉ, उसमें एकदम नियम है कि सिक्योर्ड होना ही पड़ेगा। तो इवन डिबेंचर होल्डर्स आर सिक्योर क्रेडिटर्स। अच्छा, फाइनेंशियल लीज जानते हो? फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है जेन्युइन रेंट अग्रीमेंट। जैसे अगर तुम्हारा घर रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे है, जेन्युइन रेंट पे, तो दैट इज कॉमर्शियल, दैट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज को छोड़ के जो भी लीज वीज है सबका सब क्या है? फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज देखने में लीज या रेंट लगता है, वो लीज होता नहीं, वो इट्स लाइक अ लोन अरेंजमेंट। जैसे होम लोन, होम लोन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंस लीज। जब होम लोन लेते हो घर लेने के लिए और बैंक को इंस्टॉलमेंट देते हो, तो क्या मन में ये फीलिंग आ रहा है कि रेंट दे रहे हैं, कि ये लगता है कि ओनरशिप का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? ओनरशिप का इंस्टॉलमेंट, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल लीज। समझ गए? तो मैं बोलता हूं कि जितने भी फाइनेंशियल लीज वाले हैं, फाइनेंशियल लेसर्स, फाइनेंशियल लेसर्स, वन हु गिव्स फाइनेंस लीज, वो सबके सब सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। बिकॉज फाइनेंस लीज में कोई असेट दिया होगा और वो असेट ही तो सिक्योरिटी होता है। तुम होम लोन लोगे बैंक से, दैट्स अ फाइनेंस लीज, तो तुम्हारा होम ही तो वो सिक्योर असेट दिया जा रहा है ना गिरवी, तो बैंक वाला क्या बन गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो बैंक्स एंड अदर सिक्योर क्रेडिटर्स, इनके भले के लिए आया था सरफेजी एक्ट 2002। क्या ये आज भी जिंदा है? हाँ, ये आज भी जिंदा है। आईबीसी कोड आ चुका है फिर भी ये जिंदा है। आईबीसी कोड अपने कर चुके, तो आईबीसी कोड के आने के बावजूद भी ये जिंदा है। क्यों जिंदा है मैं बता रहा हूँ ना। आईबीसी कोड में तुमको याद है कि दो फेजेस होते हैं, एक होता है रेजोल्यूशन फेज और एक होता है लिक्विडेशन फेज, यू रिमेंबर दैट? ओके, रेजोल्यूशन फेज कितने दिन का होता है? 180 डेज। हाँ ठीक है, 180 डेज। और बोलो प्लस, मतलब 180 या फिर 270 या फिर मैक्स 330। हाँ, 330 डेज। ठीक है, तो ये होता है रेजोल्यूशन फेज। अच्छा, आपका रेजोल्यूशन फेज अगर पिट गया तो क्या नाम है तुम्हारा, द कंपनी विल गो इनटू ये लिक्विडेशन। अच्छा, लिक्विडेशन में जो हीरो आएगा उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। नाउ याद करो, एक वाटरफॉल पढ़ाया था सेक्शन नंबर 53, ये नंबर तो याद रखना ही, वाटरफॉल का सेक्शन नंबर 53, उसके एक पहले आओ 52। सेक्शन नंबर 52 में सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि बैंक्स के पास चॉइस होता है कि जो सिक्योर्ड असेट उनके नाम पे गिरवी है, या तो वो लोग खुद ही बेच के रियलाइज करें या फिर वो रेलिनक्विश कर दें। रेलिनक्विश मतलब लिक्विडेटर को बोल दें कि भाई तुम ही इसको बेचो, पूल में शामिल करके हमारा हिसाब करो, या फिर बोलेंगे कि हम खुद बेचेंगे, अपना पैसा काट के आपको सरप्लस दे देंगे। यही तो जब भी एक सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड असेट को खुद बेचता है, दैट इज सरफेसी एक्ट, दैट इज सरफेसी। ये सरफेसी एक्ट जो ये पावर देता है बैंक्स को या अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कि जो असेट उनके पास सिक्योर्ड है ना, उसको वो लोग बेच सके, उसको पावर मिलता है। ठीक है, मैं पूरा स्टोरी फॉर्मेट में बता रहा हूँ ताकि तुमको एकदम रिदम एकदम याद हो जाए। ठीक है, ये सब इको लॉज है। इको लॉज में मतलब क्या बोलता हूँ, जब तक तुम प्रैक्टिकली एकदम फील नहीं कर सकते, लंबा टाइम याद भी नहीं रख पाओगे, और अपने को लंबा टाइम याद रखना है। ठीक है, सरफेजी क्यों आया, कैसे आया, इसका हिस्ट्री क्या है? सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी 1985 में, 1985 में भारत सरकार ने कानून बनाया, रोटी कपड़ा मकान एक्ट। ठीक है, क्योंकि उस समय जितने भी ये नेता लोग वगैरह थे ना, सबका पॉलिटिकल एजेंडा एक ही होता था इलेक्शन में खड़े होते वक्त, रोटी लाएंगे, कपड़ा लाएंगे, मकान लाएंगे। ठीक है, अब रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में बैंक हो गया बैंकक्रप्ट। कैसे? दे केम आउट विद एन एक्ट
नॉट रोटी कपड़ा मकान एक्ट, द एक्ट वॉज नोन एज सीका एक्ट, SICA मतलब कंपनीज एक्ट, SI मतलब सिक इंडस्ट्रीज, तो पूरा नाम था सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट, मतलब जो बर्बाद टाइप की कंपनीज है जो एकदम सिक हो रखी है उनके लिए कानून आया कि कैसे इन कंपनियों को पुनर्जीवित किया जाए। देखो भैया जो कंपनी सिक कंपनी है ना जिसका नेटवर्क नेगेटिव हो गया, जो बर्बाद हो रखा है वो और बर्बाद ही होगा, इट्स अ स्पाइरल, वो ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, वो समझ में आ रहा है। इट्स अ बर्बाद कोई कंपनी होती है तो देर आर सम रीजंस, अनलेस एंड अंटिल यू रिमूव दोज रीजंस हाउ कैन इट बाउंस बैक, तो वो रीजंस तो वहीं पे हैं, तो वो बर्बाद कंपनी बर्बाद ही होगी। और बर्बाद कंपनी की सबसे बड़ी निशानी क्या है, पैसा होता नहीं इनके पास, दुनिया भर से जगह जगह लोन मांग के रख लेते हैं और अब चुका भी नहीं पाते, तो डेट पे डेट माउंट होते जाता है एंड देर इज नो इनफ्लो ऑफ इनकम टू रिपे दोज डेट्स, यू गेटिंग माय पॉइंट, सो क्विकली दे टर्न इनटू एनपीए, यू नो एनपीए, व्हाट इज एनपीए, फुल फॉर्म नीचे, वो तो 12 का स्टूडेंट बोलेगा, एनपीए कितना दिन बाद बनता है, 90 डेज, ठीक है। अगर डिफॉल्ट आप ड्यू डेट पे इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो 90 दिन बाद आपको क्या बोलना चालू कर देंगे, एनपीए, फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अच्छा एनपीए कितने टाइप का होता है, तीन या चार, नाम क्या तीन का, सब स्टैंडर्ड, करेक्ट, चार नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पहला वाला जो स्टैंडर्ड है वो एनपीए नहीं होता, तो बाकी तीन जो होते हैं ना, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, दे आर एनपीए। तो अभी यहाँ स्टोरी क्या हो रहा था, सुनो 85 में, कि जो बर्बाद होती थी कंपनी बर्बाद हो रही है, दुनिया भर का बैंक का लोन लिया, अब एनपीए बन गया, अब वो जो बैंक वाले हैं वो बोलते हैं कि हम तो आके इसका असेट बेचेंगे बिकॉज हम लोग सिक्योर्ड वो हैं क्रेडिटर्स। तो भारत सरकार बोलती है देखो पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है अभी, ठीक है, अगर तुम इसका असेट्स बेचोगे तो फैक्ट्री बंद होगी तो जो कारखाना होता है ना फैक्ट्री वो बंद होगी और वर्कर्स लोग जो है ना थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड और हमारा वोट बैंक चला जाएगा, ठीक है। तो भले बैंक चला जाए वोट बैंक जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बोला सारे बैंक्स पे फ्रीज लगा दो, क्या लगा दो, फ्रीज, मतलब बैंक विल नॉट बी एबल टू सेल द सिक्योर्ड असेट। देखो क्या मजाक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड असेट इसीलिए तो लिया था कि नहीं दोगे तो, और बोल रहे ना ना नहीं बेचने नहीं जाओ, तो सिक कंपनी को बचाना है बैंक को डुबाना है, ये था सीका एक्ट। फिर क्या हुआ कि बैंक्स की हालत पतली होने लगी, तो 93 में लोग बोले कि रुको बैंक लोग के लिए भी एक एक्ट लाते हैं, ठीक है। और बैंक लोग के लिए एक एक्ट आया था RDDBFI एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, RDDBFI ये नाम था, RDDBFI एक्ट। इसी एक्ट के अंदर बना था DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, याद है मैंने IBC कोड में नाम लिया था कि कॉर्पोरेट पर्सन का NCLT, नॉन कॉर्पोरेट का डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है। पर ये एक्ट भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब 2002 में ये आया सरफेस ईयर, इसका नाम ही देखो ना, देखो बोर्ड पे फिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके नाम का तो हम लोग करेंगे ही एनालिसिस बाद में। तो ये एक्ट आया और ये एक्ट बहुत ताकतवर था, अप टिल नाउ IBC कोड के आने तक तो ये महाताकतवर था, इट गिव्स इमेंस पावर टू बैंक कि वो अपना ये बेच सके सिक्योर्ड असेट, ठीक है, भयंकर पावर। जैसे होता क्या, सुनो बैंक से किसी ने लोन लिया और बदले में गिरवी रखा कारखाना वगैरह, नाउ बैंक हैज टू ऑप्शंस, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, तो ध्यान से सुनना, तुम लोगों में IBC पहले पढ़ा चुका हूं तो इस बार ज्यादा फायदा होगा, पहले हमेशा सरफेस ही होता था, इस बार पहले IBC हो गया। जैसे आई एम अ बैंक, अपने आप को सबको बैंक समझो कि तुम बैंक हो, यू आर लेट्स से ICICI बैंक, और तुमने किसी कंपनी एक्स लिमिटेड को ये दिया लोन दिया है और बदले में बिल्डिंग गिरवी रखा है। नाउ आज इंस्टॉलमेंट की तारीख थी, नहीं आया पैसा, डिफॉल्ट हो गया, IBC कोड का ट्रिगर इवेंट क्या है, डिफॉल्ट। अब मैं तुरंत सेक्शन नंबर 7 के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता हूं NCLT के पास, वहां सेक्शन 7, 9, 10 था, तो मैं तो FC हूं, FC फुल फॉर्म, ओके, सो मैं किस में एप्लीकेशन लगाऊंगा, सेक्शन 7 में, तो मैं सेक्शन 7 में एप्लीकेशन लगा के बोलता हूं इनका चालू करो IBC कोड, लेकिन उल्टे वो मेरे लिए नुकसानदायक है। तुम बोलोगे कैसे, इसलिए बिकॉज IBC चालू करो तो 180 दिन, 270 दिन, 330 दिन तक क्या नौटंकी होता रहेगा, रेजोल्यूशन, जो कंपनी बंद हो गया ना उसको भगवान आके रिजोल्व नहीं करता, हम तुम क्या करेंगे, जो कंपनी बंद हो बर्बाद हो रखा है उसको भगवान आके रिजोल्व नहीं कर सकता, हम लोग क्या रिजोल्व करेंगे। पर IBC कोड में जाने का रास्ता मतलब क्या है, 180, 270, 330,
वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में चला जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। ऑल दो इट्स नॉट दैट बैड, बिकॉज एक बार रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू हो जाएगा तो कंपनी का सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ से खींच के सीओसी के हाथ में आ जाएगा ना। हु इज सीओसी? कमिटी ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जिसमें मैं भी बैठूंगा, आईसीसी बैंक भी जाके बैठ जाएगा, तो कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तो दैट इज वन वे। लेकिन एक और तरीका है, साइड आईबीसी कोड को साइड हटाओ। आज ड्यू डेट थी, इन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया। बट वेट, सरफेसी एक्ट में डिफॉल्ट का डेफिनेशन अलग है। सरफेसी एक्ट में डिफॉल्ट का डेफिनेशन अलग है। सरफेसी एक्ट में डिफॉल्ट मतलब ये नहीं कि आज इंस्टॉलमेंट कर देता, आज पैसा नहीं दिया तो आज ही हो गया डिफॉल्ट। नो 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 नो, आज पैसा नहीं आया, वेट फॉर हाउ मेनी डेज? 90 डेज। 90 डेज बाद वो क्या बन जाएगा? एनपीए। जिस दिन वो एनपीए बना, दैट डेट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट डेट अंडर सरफेसी। समझ गए? आईबीसी कोड में जिस दिन डिफॉल्ट होता है उसी को डिफॉल्ट मानते हैं। यहां डिफॉल्ट वाले दिन को डिफॉल्ट नहीं मानते, यहां डिफॉल्ट प्लस 90 डेज को डिफॉल्ट मानते हैं। यहां जिस दिन एनपीए बनता है ना, उस दिन को हम डिफॉल्ट मानते हैं। कौन से बेटा? जिस दिन को, ये क्या बोल रहा था मैं, एनपीए बनता है उस दिन को डिफॉल्ट मानते हैं। तो यहां पर जो डिफॉल्ट का डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। समझ गए? यहां 90 दिन बाद जब वो एनपीए बनेगा, देखो यहां आईबीसी कोड में ट्रिगर इवेंट इज डिफॉल्ट, हियर द ट्रिगर इवेंट इज एनपीए। हियर द ट्रिगर इवेंट इज एनपीए, और एनपीए आप तुरंत की तुरंत तो बनते नहीं, आप 90 दिन बाद बनते हो। और बैंकिंग प्रणाली में, बैंकिंग सिस्टम में व्हाट मैटर्स इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक का जो सॉफ्टवेयर, जैसे ही एनपीए डिक्लेयर करेगा, एनपीए एनपीए, वैसे चालू होगा सारा एक्शन। तो यहां पे ट्रिगर इवेंट इज एनपीए। सो दीज पीपल हैव पुट अ डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट एंड दैट डेफिनेशन मींस एनपीए। समझ में आ रहा है बात एकदम? ये ठीक है। अब देखो क्या होगा, 90 दिन गुजर गए, एनपीए बन गया, मैं आईसीआईसी बैंक वाइक्स लिमिटेड, एनपीए बन गया 90 दिन बाद, ठीक है। जैसे ही एनपीए बना, व्हाट विल आई डू? आई विल सेंड अ नोटिस टू देम, आई विल सेंड अ नोटिस टू देम, ठीक है, नॉट शो कॉज नोटिस, ये बांस करने का नोटिस। आई विल सेंड अ नोटिस टू ये बोरोवर, और मैं बोलूंगा आपको 60 डेज का मोहलत दे रहे हैं। कितने का? वी आर गिविंग यू अ टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज, पैसा चुका दो वरना जो सिक्योर्ड असेट है वो बेच देंगे, वरना जो सिक्योर्ड असेट है वो बेच देंगे, ठीक है। तो एक नोटिस जाएगा उनके पास अंडर सेक्शन 13, बहुत फेमस है सेक्शन नंबर 13, 13 को 13वीं, ठीक है, सेक्शन 13। एक नोटिस भेजेंगे, बोलेंगे 60 दिन के अंदर पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारा वो जो सिक्योर्ड असेट है जो तुम हम लोग के पास ये रखा था गिरवी, बेच देंगे, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम कितना हुआ? 90 दिन एनपीए बनने में, फिर 60 दिन का नोटिस टाइम टोटल। तो यहां 150 डेज के अंदर क्रियाक्रम चालू कर देंगे। आईबीसी कोड में अगर जाते तो तत्काल चालू हो जाता सीआईआरपी के नाम से, ठीक है। नाउ सिंस आईबीसी में जो डिफॉल्ट का डेफिनेशन है वो 90 दिन पहले है, और ट्रिगर इवेंट 90 दिन पहले है, इसीलिए टुडे मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर प्रेफरिंग आईबीसी कोड ओवर सरफेसी, दैट आई कैन टेल यू, ठीक है। तुम इतने, मतलब मैं बता रहा हूँ, सरफेसी में उतने मसले नहीं आते जितना आईबीसी कोड में आता है। भर दिया आईबीसी कोड, इतना केसेस है आईबीसी कोड में, कोई लिमिट ही नहीं है। बिकॉज सरफेसी में आई हैव टू वेट फॉर 90 दिन, और आईबीसी में तुरंत धमकी जाएगा, तुरंत एनसीएलटी में एप्लीकेशन देंगे, सब खड़ा हो जाएगा। क्योंकि तुम बात को समझो, हमको बर्बादी करा के कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद हमको पैसा चाहिए, डरा के धमका के कैसे भी। अब सरफेसी में धमकी देने के लिए 90 दिन वेट करना पड़ेगा, रुको धमकी देंगे 90 दिन टाइम में भी, 90 दिन बाद धमकी देंगे। और आईबीसी में आज की आज धमकी देंगे, और मैं धमकी नहीं दूंगा, मेरे पास एनसीएलटी की ताकत आ जाएगी, मैं सेक्शन 7 डाल दूंगा इसमें एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी की तरफ से नोटिस जाएगा, बस उनका हाथ पर खड़ा हो गया एक सेकंड में, क्या ये तो आईबीसी करा रहा है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए बैंक्स आर नाउ प्रेफरिंग आईबीसी। बट एज आई सेड, दिस इज स्टिल अलाइव। एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट जस्ट फॉर बैंक्स, इट इज फॉर ऑल अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उनके लिए भी आईबीसी है, पर ये भी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले तो तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ओके, नाउ सबसे पहले तो सरफेसी एक्ट का जो ये सब शब्दावली है ना, ग्लॉसरी, वर्ड्स, डेफिनेशंस, ये सब समझना पड़ेगा। वो नहीं समझोगे तो दम नहीं है। दिस एक्ट गिव्स अस थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, थ्री टाइप्स ऑफ
जल्दी करो. इट गिव्स अस थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इन थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के नाम को जोड़ के ही बना है सरफेसी. तुम लोगों को दिख रहा होगा एस एस ए आर एफ ए एस आई सरफेसी. ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. अच्छा, मैं ना ये थ्री टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में थोड़ा बाद में जाऊंगा, अभी नहीं बात करेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू थिंग. ये हो गया, अब हटाओ. अब एक थोड़ा सा नया चीज के बारे में अपने बात करते हैं. ओके, एक नाम दे देते हैं, पारस. क्या नाम दिया? पारस. ये पारस क्या है? सुनो, कंपनी का नाम है. ठीक है, बोला वो क्या? ठीक है, ये पारस का फुल फॉर्म है पृथ्वी, पी आर आई डी एच वी आई, नॉट पृथ्वी, पृथ्वी. पृथ्वी एसेट रिकंस्ट्रक्शन पार एंड सिक्योरिटाइजेशन, पारस. ठीक है, पारस. ये पारस क्या है? इट्स एन एआरसी, इट्स एन एआरसी. ये चैप्टर ना सिर्फ बैंक्स को ताकत देता है कि वो बोरोवर के सिक्योर्ड एसेट को बेच सके, परंतु देयर इज समथिंग मोर टू इट. जैसे फॉर एग्जांपल, आज के दिन हम लोग जो काम खुद नहीं करना चाहते वो आउटसोर्स कर देते हैं कि नहीं? आउटसोर्स समझते हो ना? पहले के जमाने में तुमने कभी सुना ही होगा कि पहले के जमाने में और आज भी गांव वगैरह में जो शादियां होती हैं उसमें जो केटरिंग का काम होता है वो घर वाले खुद ही मैनेज करते हैं. क्या शहरों में ऐसा होता है कि हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं? आउटसोर्स बहुत महंगा पड़ता है अनडाउटेडली, बट इट गिव्स यू द कंफर्ट ऑल्सो, क्वालिटी ऑल्सो. ठीक है, देर इज अ क्वालिटी फैक्टर, देर इज अ कंफर्ट फैक्टर, देर इज अ सेलिब्रेशन फैक्टर. तो हम लोग तो केटरिंग वाले को दे देते हैं ना. आज जिसके भी घरों में कोई शादी वादी हो रही है वो क्या करता है, जो जहां पे हॉल बुक होता है, इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप. जहां तुम अपना बैंक्वेट बुक करते हो वही लोग पूरा केटरिंग अरेंज करते हैं. एक बार में तुमसे 25 लाख रुपया ले लेंगे. ठीक है, एक पार्टी का 20-25 लाख लगता है, तो दो पार्टी का अकॉर्डिंगली. तो वहीं पे वो लोग आपको बैंक्वेट हॉल भी दे रहे हैं, डेकोरेशन भी वही कराएंगे पूरा, फिर क्या नाम है ये, केटरिंग का काम भी वही है, एवरीथिंग दे विल डू. यही हो गया आजकल. ठीक है ना, इट इज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग जरूरी है, कितना काम खुद करेंगे? और बात ये नहीं कि खुद करेंगे, बात ये कि खुद करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, आउटसोर्स कर दो परफेक्ट होगा. करेक्ट है कि नहीं? आउटसोर्स करेंगे तो और बढ़िया होगा. ठीक है, तो जो काम आप खुद कर सकते हो खुद करो, जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो आप आउटसोर्स करो. सिंपल सी बात है, एकदम करेक्ट है. सो आउटसोर्सिंग तो बहुत फैल गया है, हर जगह हम लोग चेष्टा यही करते हैं कि आउटसोर्सिंग हो सके. नाउ सम थिंग्स आर देयर दैट कैन नॉट बी आउटसोर्स. मैं पढ़ाना आउटसोर्स नहीं कर सकता, मैं बुक बनाना आउटसोर्स नहीं कर सकता. ठीक है, पर बुक का प्रिंटिंग, वो मुझे जरूरी नहीं कि मैं प्रिंटिंग प्रेस खोल के बेचूं. वो प्रिंटिंग का काम मैं किसी एजेंट को दे दूंगा, वो अपने प्रिंटिंग प्रेस से करवा के देगा, दैट आई कैन आउटसोर्स. ठीक है, तो बैंक वाले भी आजकल ना मार्केटिंग पे ध्यान देने लग गए हैं. बैंक वालों को समझ में आ गया है कि सिर्फ मार्केटिंग से ही काम बनता है. ठीक है, बैंक वाले बोलते हैं हम सिर्फ मार्केटिंग करेंगे दवा के. ठीक है, वी विल ऑफर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, वी विल नॉट हैंडल द गोबर वाला काम. गोबर वाला काम वी विल गिव टू समवन एल्स. गोबर वाला काम मतलब एनपीए रिकवरी. क्या बोला मैंने? एनपीए रिकवरी. बोला एनपीए रिकवरी में माथापच्ची मेरे से नहीं हो सकता. बैंक बोल रहा है वो तो एनपीए रिकवरी हम किसी और को देंगे, हमारा काम है लोन बेचना, डिपॉजिट लेना, कस्टमर प्रोडक्ट्स मेंटेन करना. बैंक आजकल दुनिया भर की फैंसी टाइप की सर्विसेज देने लगे हैं. बैंक आजकल म्यूचुअल फंड बेचता है, बैंक आजकल म्यूचुअल फंड बेचता है, बैंक आजकल डीमैट बेचता है, बैंक आजकल क्रेडिट कार्ड बेचता है बैठ के कि ये लो इसी से सारा शॉपिंग करो. यू डोंट नीड क्रेडिट कार्ड, बोला तो भी लो, क्योंकि डेबिट कार्ड पे उनको ब्याज नहीं मिलेगा. तुम देखना मोस्ट ऑफ द जगह जो ऑफर्स रहते हैं ना 5% कैशबैक, वो सब क्रेडिट कार्ड पे रहता है, डेबिट कार्ड पे नहीं रहता. डेबिट कार्ड तो हम सबके पास है, डेबिट कार्ड पे ब्याज लगता है क्या? काय का लगेगा? वो मेरे बैंक का पैसा है, मैं यूज कर रहा हूँ. क्रेडिट कार्ड में तो उनका यूज कर रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई दे विल चार्ज मी इंटरेस्ट. ठीक है, तो बैंक वाले 50 काम कर रहे हैं आजकल अलग अलग तरह के. ठीक है, 50 तरह के काम एकदम फैला रखा है बिजनेस. तो बोलते हम वो सब काम पे ध्यान लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे एनपीए रिकवरी, तो आउटसोर्स करेंगे किसी और को. किस को? तो आरबीआई ने बोला वी विल क्रिएट अ न्यू ब्रीड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस.
वी विल क्रिएट अ न्यू ब्रीड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वही करवाएंगे ये एनपीए रिकवरी. सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड ARC, फुल फॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. पहले नाम याद कर लो, क्या बोला मैंने, ARC, फुल फॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. कौन सी एसेट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग नहीं, एनपीए. एनपीए भी तो एसेट है, एनपीए का ए क्या है, एसेट, नो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो ये लोग बोल रहे हैं हमारा नाम ही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, हम एनपीए को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकवर करेंगे. तो बैंक वाले आजकल क्या करते हैं, अपना जो एनपीए है वो एआरसी को बेच देते हैं. अपना सारा एनपीए किसको बेच देते हैं, एआरसी को बेच देते हैं. बोलता है एआरसी रिकवरी करेगा, तो एआरसी क्या लगाएगा बोलो, सरफेसी. एआरसी क्या लगाएगा, सरफेसी. अच्छा एआरसी, एक डाउट आ रहा है मन में, क्या एआरसी आईबीसी का रास्ता पकड़ सकता है क्या? हाँ, इवन एआरसी इज एफसी. याद रहे बैंक क्या था, एफसी, फाइनेंशियल क्रेडिटर. तो बैंक ने अपना जो पूरा एनपीए वो किसको असाइन कर दिया, एआरसी. तो एआरसी बाय नेचर विल आल्सो बिकम एफसी. इफ बैंक इज एफसी, एआरसी इज आल्सो, एआरसी इज आल्सो एफसी. तो बैंक किसको दे देगा, एफसी को, एआरसी को दे देगा, एआरसी विल आल्सो बिकम एफसी. तो एआरसी सरफेसी का रास्ता भी पकड़ सकता है, एआरसी वो आईबीसी कोड का रास्ता भी पकड़ सकता है, दोनों अलाउड है. आर वी ओके विद दिस? एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. देर आर अराउंड 15-20 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया. रिलायंस इज ऑल्सो वन ऑफ देम. रिलायंस का हाथ कहाँ कहाँ है तुमको पता ही नहीं है, ठीक है. रिलायंस का खुद का एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है. बस एक दिन का इंतजार है जब रिलायंस बैंक आएगा. रिलायंस का इंश्योरेंस कंपनी तो जानते ही हो, रिलायंस का इंश्योरेंस है कि नहीं है. रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस तो मेरा ही लिया हुआ है, ठीक है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है. ओके, तो रिलायंस का बस एक दिन बैंक आना बाकी है, वेट करो, ठीक है. रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी में पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में भी है, तो बस बैंक का ही तो बाकी बचा है. एआरसी में भी है रिलायंस. तो मैं रिलायंस का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था कि हर जगह रिलायंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज वाई आई एम टेकिंग नेम ऑफ पारस. सबसे मतलब अच्छा नाम जो याद रह जाएगा वो यही है, पारस. तो पारस इज एन एआरसी. एक पता है पहले ना पारस फार्मास्यूटिकल था, जो मूव बनाता था, मूव का एड देखियो कभी, कमर पे लगाओ ठंडा हो, क्या होता है कमर तक चला जाएगा, MOOV, मूव. वो अलग था, वो था पारस फार्मास्यूटिकल, वो बंद हो गया है, ठीक है. मूव का टेक ओवर हो चुका है, मूव अभी कोई बड़ी कंपनी बेच रही, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है. ओके, ये पारस अलग है, ठीक है. इस पारस का पूरा नाम क्या है, पृथ्वी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन. आर वी ओके विद दिस? ठीक है. अब ये तीन टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं ये तो हमको समझने पड़ेंगे. ये दिख रहा है तुमको सेक्शंस का रेंज एंड ऑल दैट, ठीक है. वॉट एवर इज देयर इन द सिलेबस एवरीथिंग इज हियर. इंट्रोडक्शन, बहुत इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने. अब यहां से आगे डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस हमें याद रखने हैं, इन लोगों ने पूछा है, ठीक है. पता है ये लोग डेफिनेशंस क्यों पूछते हैं, इनको लगता है कि कोई इनका मतलब एटीट्यूड में तुमको समझाता हूँ, ठीक है. सपोज एक स्टूडेंट है घर पे पढ़ाई करने बैठा कभी, सेल्फ स्टडी, ठीक है, ट्यूशन नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी. तो वो घर पे जब पढ़ने बैठेगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आगे तक का कहानी बता के ले आया, और स्टूडेंट पढ़ने बैठेगा तो उसको तो मालूम ही नहीं कहानी क्या है सरफेसी का, वो तो एक एक करके पढ़ेगा ऐसे. और डेफिनेशंस इतने हार्ड होते हैं. अब देखो स्टोरी मालूम नहीं है, ये जो मैंने 20-25 मिनट डिस्कस किया स्टोरी तो मालूम नहीं है, और डेफिनेशन पढ़ने बैठोगे तो उल्टी आएगा. जो डेफिनेशन की लैंग्वेज अपरंपार होती है, और वो पढ़ के तुमको लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैच ही नहीं करता कुछ, स्टोरी जब तक मालूम नहीं हो. तो डेफिनेशंस करते करते स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के उड़ जाएगा. तो इंस्टीट्यूट बोलती है एक काम करते हैं डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, कम से कम वो तो पढ़ के आया होगा ना. तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम पेपर में 2-3 डेफिनेशन पक्का डाल देते हैं कि लो डेफिनेशन तो बताओ. ओके, तो अब ऐसे लोगों की खातिर डेफिनेशन याद करना पड़ता है, ठीक है. तो चलो डेफिनेशन परफेक्शन के साथ याद करेंगे. देर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, आई एम नॉट गोइंग इन सीरियल ऑर्डर. जैसे जैसे जो रिदम में आएगा वैसे वैसे करेंगे, क्लियर है, ठीक है. तो सबसे पहले आई वॉन्टेड टू शो द डेफिनेशन ऑफ दिस ARC. फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मीन्स अ इस चैप्टर में ना अमेंडमेंट्स आए हैं तो वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। ओके, बात करें, ठीक है। पहली बात, एआरसी इज अ कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो इट हैज टू बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जस्ट लाइक मनी लॉन्ड्रिंग। यहां पर भी रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, सरफेस, इन तीनों में रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। सच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन सिक्योरिटाइजेशन, नंबर टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन, नंबर थ्री बोथ। एग्जाम्पल ऑफ सच अ कंपनी वी हैव सेड पारस। ओके, आगे पढ़ो। ऐसी कंपनी कोई और धंधा कैरी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी कोई और धंधा कैरी नहीं कर सकती। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जितने भी स्पेशल टाइप के कंपनी होते हैं ना, बैंक्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के स्टैट्यूट में ही लिखा रहता है कि ये लोग और कोई धंधा नहीं कर सकते, ठीक है। अलाउड नहीं है, ये इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है। ओके, दे के नॉट डाइवर्सिफाई इन टू अदर बिजनेसेस। जो इनका एक बिजनेस है उसी में लोग रहेंगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आज तुम एक बात कॉमन सेंस लगा सोचो, सबसे ज्यादा क्राउड सीए इंस्टीट्यूट विजिट करता है, सीए इंस्टीट्यूट, बिकॉज जिसको भी पास आउट करेगा वो एक बार तो जाएगा ही वहां। सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन है, ये है, वो है, कुछ अटक गया तो वहां जाएगा। तो सीए इंस्टीट्यूट में तुम सोचो, इतने सारे वो जो स्टाफ रहते हैं नीचे रिसेप्शन पे भी रह बैठे रहती है, उनको मालूम तो कुछ होता नहीं है। तुम उनसे डाउट पूछोगे दे डोंट नो, ठीक है, ऊपर भेजेंगे, ऊपर कोई है ही नहीं। कभी ऊपर गए हो मेंबर सेक्शन वगैरह में, ढूंढना पड़ता है कहाँ कोई है भी कि नहीं, पूरा खाली सुनसान टाइप हो गया। तो इन सीए इंस्टीट्यूट ने सोचा, काउंसिल मेंबर्स ने, कि लेट अस हेल्प स्टूडेंट्स, दे ट्रैवल फ्रॉम सो लॉन्ग। अब से अंदर ही रिसेप्शन में एसी एसी एनवायरनमेंट रहता है ना पूरा, वहीं पे समोसा चाट चाय बिकेगा। तो मतलब स्टूडेंट आएगा तो ही विल एंजॉय रिफ्रेशमेंट्स, और इससे आईसीआई का एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट होगा। बट कैन दे स्टार्ट दिस बिजनेस? नो, दे हैव फंड्स, दे हैव रिसोर्सेज ऑल्सो, दोज रिसेप्शंस आर सिटिंग आइडल, ठीक है, दे हैव रिसोर्सेज ऑल्सो, बट कैन इट डू सो? नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है ना उसमें लिखा हुआ है ना इनका ऑब्जेक्ट क्या है। और तुम लोगों को लगता होगा कि सीए पास हो जाने के बाद, जैसे मेरे को भी लगता था कि मैं स्टूडेंट था, कि अभी नहीं सीए बनने के बाद इज्जत होगा, नहीं, ठीक है। फॉर दोज रिसेप्शन पीपल, तुम सीए हो, तुम नॉन सीए हो, तुम कुछ भी हो, इट डजंट मैटर टू देम, ठीक है, सबका एक ही हिसाब है। तो इट्स अ गुड आइडिया, बट बिकॉज ऑफ सीए एक्ट नहीं हो पा रहा, तो सीए एक्ट में अमेंडमेंट तो चाहिए भाई, ठीक है, अमेंडमेंट तो बिल्कुल चाहिए। एआरसी वगैरह अगर ये सब काम छोड़ के कुछ और काम करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। अब मैं कुछ टेक्निकल बोलने जा रहा हूँ, कॉपी पे आओ, चलो कॉपी का बोनी करते हैं। ओके, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं, ये 2 मिनट बाद बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, अभी खाली बस एक बार धारा में पढ़ो।
शेयर मार्केट में, या थोड़ा शेयर मार्केट पिक्चर में आ जाता है। शेयर मार्केट में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। शेयर मार्केट में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, नाम बोलो तो। नंबर वन आर आई आई का फुल फॉर्म दिखा हुआ है। आर आई आई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खुदरा निवेशक। क्या बोलते हैं? निवेशक मीन्स इन्वेस्टर, जो निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। एंड खुदरा मीन्स रिटेल। ठीक है, जैसे इस रूम में हम लोग सब जो बैठे हुए हैं, हम सब के सब ये हैं आर आई आई, राई के बराबर है हम लोग। ठीक है, हम लोग किसी भी आईपीओ में कितने का एप्लीकेशन डाल सकते हैं? 2 लाख। कोई भी कंपनी का आईपीओ आएगा, हम मैक्स एप्लीकेशन कितना डाल सकते हैं? 2 लाख। सपोज कोई कंपनी का आईपीओ आया, मेरा मन है कि मैं 10 लाख लगाऊं, ठीक है, मैं नहीं लगा सकता। मेरा मन है कि मैं 10 लाख लगाऊं, मैं नहीं लगा सकता। आईपीओ में नहीं लगा सकता, आईपीओ खत्म होने के बाद लगा सकता हूं। ठीक है, मतलब नॉर्मली शेयर मार्केट से मेरा जितना का मन मैं खरीद सकता हूँ, पर आईपीओ में मैं 2 लाख से ज्यादा का नहीं अप्लाई कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे मान लो रिलायंस, रिलायंस का तो कोई पब्लिक इशू नहीं चल रहा है ना अभी, मुझे रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो एप्लीकेशन तो देना ही नहीं है, मुझे तो स्टॉक मार्केट से खरीदना है। तो वहां तो मेरा जितना मन मैं उतने का खरीद सकता हूँ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ठीक है, लेकिन कल को रिलायंस अगर पब्लिक इशू लेके आए और मुझे एप्लीकेशन देना है, तो वहां मैं कितने का खरीद सकता हूँ? सिर्फ 2 लाख। हु एम आई? राय, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। साइड हटाओ। सेकंड वाला नाम क्या लिखा है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, पर QIB जितने बड़े नहीं होते। ये समझिए, ग्रेटर देन का सिंबल है। हाँ, NII बड़े होते हैं, पर ये QIB जितने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं उससे। QIB तो अलग ही लेवल पे। एक बार पहले QIB देखें। हाँ, उधर देखो, QIB फुल फॉर्म लिखा है क्या मैंने? अच्छा, लिखा नहीं मैं। ओ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, दे आर इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब ये लोग इंस्टीट्यूशन भी है, प्लस इनका मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट ही है। दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये मतलब इतने बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं, इनका मेन काम इन्वेस्ट करना है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है बैंक। बैंक के पास अरबों रुपया है, पर क्या वो लोन दे पाता है? नहीं, बिकॉज अच्छे बोरोवर्स नहीं मिलते। तो बैंक के पास इतना जो पैसा पड़ा है, बैंक क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। मेरा तुम्हारा पैसा जो हम लोग बैंक के पास जमा करते हैं, बैंक ने वो लोन पे नहीं दिया है, बैंक ने शेयर बाजार में लगा दिया है। पर वो बैंक है, बैंक के पास वो एक्सपर्टाइज है, सोच समझ के लगाया हुआ कि रुपया डूबे नहीं, उसके ऊपर गाइडलाइंस है आरबीआई का। तो बैंक वाले सबसे भयंकर इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में। शेयर बाजार में सबसे बड़ा पैसा किसका लगा हुआ है? बैंक्स का। बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है इन्वेस्ट करना। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है ना, बैंक की तरफ से जो एप्लीकेशन जाता है वो 2 लाख का नहीं, वो 200 करोड़ का होता है। ठीक है, इतना पैसा है इनके पास। बैंक के बाद कौन? FI। फिर कौन? इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी हम लोग से इतना सारा पैसा उठाती करती क्या? उसका स्टॉक मार्केट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है। बैंक के बाद 2 नंबर पे इंश्योरेंस कंपनी है। LIC इंश्योरेंस कंपनी है। LIC रिलायंस के अंदर अराउंड 10% स्टेक होल्ड करता है। इमेजिन करो, रिलायंस का 10% स्टेक कौन होल्ड करता है? LIC इंश्योरेंस कंपनी। MF म्यूचुअल फंड, VCF वेंचर कैपिटल फंड जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स एंड प्रोविडेंट फंड्स। हम लोग पेंशन फंड प्रोविडेंट फंड में रुपया डालते हैं ना, वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, हैवी पैसा। फिर लास्ट में कौन है? एटसेट्रा। नाउ दे आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, QIB। अब ये बीच में एक नाम आया NII। NII का मतलब होता है
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग बड़े हैं पर इंस्टीट्यूशनल जितने बड़े नहीं है। ये उतना रुपया नहीं लगा सकते जितना एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लगाता है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर राउंड द ईयर 365 डेज इन्वेस्ट करता है, ये लोग कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी उतनी क्षमता नहीं है। कौन है एनआईआई? कॉरपोरेट्स। जैसे एक बार जस्ट इमेजिन करो, कल को एक कंपनी का आईपीओ आया, ओके, मैं मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं 2 लाख रुपए तक लगा सकता हूँ, मेरा भाई 2 लाख तक का लगा सकता है, मेरे परिवार वाले 2 लाख, लेकिन मुझे सपोज बड़ा अमाउंट लगाना है 50 लाख, मैं क्या करूं? मेरी एक एंटिटी है एलएलपी, कोचिंग सेंटर एलएलपी है, पता है ना, सिद्धार्थ विकास क्लास एलएलपी। कैन एलएलपी इन्वेस्ट इन द आईपीओ ऑफ अ कंपनी? यस। कैन एलएलपी, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कैन इट इन्वेस्ट इन द आईपीओ? यस। तो मैं एलएलपी के नाम से एप्लीकेशन डाल सकता हूँ। अच्छा, अब मेरा एलएलपी किस कैटेगरी में आएगा? आरआईआई में आएगा नहीं, और क्यूआईबी में आएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? एनआईआई में। मतलब इट्स बिग बट इट्स नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देर आर सो मेनी कंपनीज एंड एलएलपीज, दे विल ऑल्सो पुट मनी इन आईपीओ, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनआईआई, ठीक है। अच्छा, एनआईआई में दूसरा नाम क्या दिख रहा है आपको? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एक अलग ही कैटेगरी होता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब हो गया 4,000-5,000 करोड़ रुपीज, उतना लेवल का पैसा जिसके पास होता है उसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। वो लोग जब एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी एनआईआई कैटेगरी में देते हैं, तो उनको अलाउड है कि वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है एकदम? तो 3 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स है, ओके। अब सुनो, ये जो नीचे वाले हैं ना, इनको हम लोग मिला के बोलते हैं ये जो नीचे वाले हैं इनको क्या बोलते हैं बोलो? क्यूबी। क्यूबी मतलब क्वालिफाइड बायर, मतलब उसमें सब आ गया, खाली कौन नहीं आया? राई नहीं आया, ओके। यहां तक क्लियर है? क्वालिफाइड बायर्स। दिख रहा है सबको? हाँ, देखो वही सब नाम जो मैं बोला वही है कि नहीं है? बैंक आएगा। अच्छा, एआरसी एसेट कंपनी, वो खुद भी तो एक एफआई है, तो वो खुद भी तो एक क्वालिफाइड बायर है ही। क्वालिफाइड बायर क्या होता है, समझ गए? ठीक है, अब रुकते हैं एक बार, लेट्स गो टू कॉपी।
थोड़ा देर के अंदर सब एकदम एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, एक साथ पूरा कलेक्ट हो जाएगा। एक बार बस मेरे रिदम में चलना पड़ेगा। सरफेजी एस से सिक्योरिटाइजेशन 5, असेट रिकंस्ट्रक्शन 9, ईएसआई 13। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटाइजेशन। इट्स आल्सो नोन एज डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये आता है क्लास इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, पर वहां पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, इधर कमिंग टू दिस, यहाँ तो हम लोग को सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब एकदम मस्ट है। तो मैं सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस तुम लोग के साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। कॉपी टेढ़ी करनी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल में बना सकते हो। अराउंड 10 लाइन का स्पेस चाहिए। जो डायग्राम बोर्ड पे मैं बनाऊंगा वो तुम 10 लाइन्स के स्प्रेड पे बनाओगे। ठीक है, 4 कोनों में 4 बॉक्सेस। ठीक है, 4 कोनों में 4 बॉक्सेस। नाउ लेट्स गिव देम नेम्स। ओके ठीक है, ये दिख रहा है 4 कोनों में 4 नाम है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज डायग्राम को स्पेशियस रखना, पूरा मतलब वो मत कर देना। ठीक है, क्योंकि मेरे को स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ लिखते रहना पड़ेगा। एकदम सिंपल, बैंक्स, बैंक्स ने ना लोन दिया था इनको। बैंक ने क्या दिया था इनको? लोन। ओके, इन्होंने बैंक के पास कुछ मॉर्गेज तो दिया ही होगा। स्पेस रखना प्लीज, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे बुद्धि मत लगा देना अपना, मेरे को बीच में कुछ लिखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, यू कीप सम स्पेस। तो बैंक ने इनको लोन दिया था और इन्होंने बैंक के पास कुछ मॉर्गेज रखा होगा। बहुत बढ़िया, अभी तक तो इतना तो समझ में आ ही रहा था, बैंक बॉरोवर का ये तो रिश्ता होता है। ठीक है, एक फिगर दे रहा हूं जस्ट मन से, 1000 करोड़। एक फिगर दे रहा हूं मन से, 1000 करोड़। मतलब सोचो, बैंक के पास 1000 करोड़ का एनपीए है। बैंक के पास 1000 करोड़ का एनपीए है। ये भाषा समझ में आ रही है? बैंक के पास कितने करोड़ का एनपीए है? हाँ,
हजार करोड़ का एनपीए, और बैंक अब इस एनपीए को अपने पास रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, बैंक इसको हटाना चाहता है अपने बैलेंस शीट से। बैंक बोलता है यार हम लोग के पास 70 काम है, हम मार्केटिंग करेंगे, धंधा लाएंगे, हम बैठ के ये एनपीए एनपीए नहीं खेल सकते, ठीक है, तो ये हम लोग हटाएंगे अपने। तो किसको बेचेगा जाके वो आउटसोर्सर कौन है, ये एआरसी। तो बैंक वाले ने एआरसी से डील किया, बोला सुन लेगा एनपीए। एआरसी बोला 1000 करोड़ का एनपीए, रिकवरी में डाउट्स भी है क्योंकि तुम खुद एनपीए बोल रहे हो, तो डाउट्स है, तो मैं 1000 करोड़ का एनपीए लेकिन मैं दूंगा इसका 750। बैंक बोला ओके, हम लोग 250 का लॉस एक ही बार बुक करके हट जाएंगे, गंदगी आउट, अब 750 का जो होगा तुम जानना, ठीक है। तो एआरसी खरीदने को तैयार बैठा है, कितना, 750 करोड़ का एनपीए, पर उसके लिए 750 करोड़ चाहिए तो कहां से आएगा। एआरसी विल इशू 750 करोड़ का सिक्योरिटी रिसेट्स टू द क्वालिफाइड बायर्स। ठीक है, ओके, बात करें क्या। एआरसी विल इशू 750 करोड़ चाहिए, बात हुआ अपना भाई, 750, तो 750 करोड़ का सिक्योरिटी रिसिट्स इशू करेगा, ठीक है। तो ये क्यूआईबी इनको पैसा दे देगा बदले में, अच्छा क्यूबी, नॉट क्यूआईबी, क्यूबी, क्यूबी मतलब ठीक है, हम जैसे तो लगा नहीं सकते पैसा, हमें तो लगाना चाहिए भी नहीं, बहुत रिस्की है ना ये, सोचो इसमें बदले में सिक्योरिटी के तौर पे क्या मिलेगा, मॉर्गेज लोन जो खुद एनपीए बना बैठा है, तो हम जैसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते इसमें, जाना भी नहीं चाहिए। कि कौन किसको इशू करेगा, क्वालिफाइड बायर्स को, बोलो बदले में क्या दे देंगे। ठीक है, ओके, तो एआरसी ने उनको क्या इशू किया, सिक्योरिटी रिसेट्स, तो बदले में क्या मिला, मनी, करेक्ट है। अच्छा अब एआरसी के पास पैसा आ गया, अब वो पैसा दे के एनपीए खरीद सकता है, वो दिख रहा है लिखा हुआ, प्लीज, मैंने लिखा है सेल एनपीए, ठीक है, दिख रहा है, तो सेल एनपीए, तो बैंक वाला जो है वो एनपीए बेच देगा इसको, क्या नाम है इसका, क्वालिफाइड, सॉरी एआरसी को, हो गया सौदा पक्का, कट गया सौदा। अभी बात को आप समझो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब से ये बोरोवर्स पैसा अगर देंगे तो किसको देंगे, एआरसी, इनके द्वारा दिया हुआ जो मॉर्गेज है उस पे अब हक किसका बनता है, एआरसी, इनसे पैसा रिकवरी कौन करेगा, एआरसी। तो अब एआरसी इज अ रिकवरी स्पेशलिस्ट, एआरसी इज अ रिकवरी स्पेशलिस्ट, एआरसी सरफेजी एक्ट में लिखे हुए तमाम मेजर्स को यूज करके रिकवरी करने की चेष्टा करेगा, ठीक है, पैसा आएगा उसके पास। लुक बिलो, एआरसी ने क्यूबी को क्या दिया था, सिक्योरिटी रिसेट्स दिया था कि नहीं, ये सिक्योरिटी रिसेट्स किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, इज इट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, एआरसी कोई अपना शेयर थोड़ा दे रहा है, एआरसी तो पैसा रेज करने का अरेंजमेंट किया है, तो इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक डिबेंचर,
तो ए आर ये जो सिक्योरिटी रिसीट जो तुम देख रहे हो ना, इट इज लाइक अ डिबेंचर, और डिबेंचर के ऊपर पीरियोडिकली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और लास्ट में रिडेम्पशन करना पड़ता है, करेक्ट है? तो यहां पे भी कुछ वैसा ही होगा, ए आर सी हैज टू पे पीरियोडिकल इंटरेस्ट टू देम एंड एट द एंड रिडेम्पशन भी करना पड़ेगा, उसके लिए ए आर सी के पास पैसा कहां से आएगा, रिकवरी ऑफ एनपीए। अब जो भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होंगे वो इधर से आएंगे, इंस्टॉलमेंट्स रिकवरी, और उसी पैसे से एआरसी क्यूबी को देगा इंटरेस्ट, रिडेम्पशन, ठीक है? सो अब ऑन अ रेगुलर बेसिस क्या होने जा रहा है, ए आर सी विल रिकवर दोज एनपीए बाय सम तरीका, रिकवरी करना चालू करेंगे और रिकवरी कर करके इन लोगों को इंटरेस्ट रिडेम्पशन करेगा, जो बीच में डिफरेंस बच जाएगा वो उसका प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? गुड। अब इधर एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, ये जो चार डब्बे हैं चारों का कुछ फैंसी नाम है जो मैं बता रहा हूं। बोरोवर्स को बोलते हैं ओब्लाइजर, बैंक्स को बोलते हैं ओरिजिनेटर, एआरसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, और क्यूबी को बोलते हैं इन्वेस्टर। ये इनका टेक्निकल नेम्स है इन डेट सिक्योरिटाइजेशन, ओब्लाइजर, ओरिजिनेटर, इन्वेस्टर, एसपीवी। यहां तक हो गया? ठीक है, ओब्लाइजर, ओरिजिनेटर, एसपीवी, इन्वेस्टर, डन है सबको? तो बैंक के एंगल से तो कितना सही था, 1000 करोड़ का माल 750 में सलट गया, अब उसको मतलब नहीं, अब एआरसी अपना वो रिकवरी कर करके इन्वेस्टर्स को देगा, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट पॉकेट करेगा अपने लिए। नाउ फ्यू थिंग्स, ये जो बोरोवर्स है ना, इनका एक और नाम है, इनको लोन दिया गया ना, लोन मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, मॉर्गेज का मतलब होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, मॉर्गेज को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मैं एक बार सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सरफेजी का जो सी है लास्ट में, सरफेजी एसआई, वो एसआई मतलब है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एवर ध्यान से सोचो जरा,
ये प्रॉपर्टी मान लो यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ओके मान लो यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन 10 crores, ठीक है, तो तुम इसके ओनर हो इस प्रॉपर्टी के, ओके यू हैव एन इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी कल को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, तुमको होगा, तो यू हैव एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी, यू आर द ओनर, गुड। अब सपोज तुमने ये प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी करके 7 crore का लोन लिया, तो 10 crore की प्रॉपर्टी तुमने बैंक के पास गिरवी करी है और कितने का लोन लिया है, 7 crore का। अच्छा, बैंक के पास गिरवी क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या बैंक वाला इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, नहीं, बट इज द बैंक वाला इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी, यस, क्योंकि इसी के बेसिस पे लोन सिक्योर्ड है, ठीक है, तो बैंक वाला इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। बैंक वाले का जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, वो कौन सा इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कौन सा इंटरेस्ट है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। कल को मान लो अर्थक्वेक आए और प्रॉपर्टी अंदर चली गई, ठीक है, धस गया मतलब खत्म हो गया और क्या, ठीक है, तुम तो रोओगे बाहर खड़े होके बुरी तरह से, बैंक मैनेजर भी आ जाएगा रोने के लिए, दोनों मिलके साथ में रोओगे, तुम्हारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट गया और उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट गया, ठीक है। व्हाट इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में आता है द राइट टू यूज, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के अंदर आता है द राइट टू यूज, क्या बैंक वाले के पास राइट टू यूज है, नहीं है, वो तुम्हारे पास है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के अंदर आता है राइट ऑफ पोजेशन, मतलब तुम पोजेस कर रहे हो, ताला चाबी तुम्हारे पास है ना इस प्रॉपर्टी का, बैंक के पास तो नहीं है, बैंक के पास राइट ऑफ पोजेशन नहीं है, तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम इस प्रॉपर्टी से इनकम कमा सकते हो, तुम यूज कर सकते हो, इनकम कमा सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ इनकम, क्या बैंक वाले के पास राइट है कि इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के इस पे इनकम अर्न कर सके, नहीं, वो तुम्हारे पास हक है, ठीक है, यू हैव द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, करेक्ट। तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, बैंक वाले के पास ये राइट नहीं है, ये जब लोन क्या बोलते हैं, अगर लोन नहीं चुकाओगे तब बेचेगा, अदरवाइज नहीं। तो योर राइट्स एंड इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी इज लाइक अनलिमिटेड, बैंक वाले का राइट्स इन दिस प्रॉपर्टी इज लिमिटेड ओनली टू द रिकवरी ऑफ द लोन अमाउंट। सो सच एन इंटरेस्ट, सच अ लिमिटेड राइट और अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज नोन एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये भाषा समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर है क्या? ऊपर देखो तो एक बार, कितने टाइप का ट्रांजैक्शन था, तीसरा वाला पढ़ो क्या लिखा है, ईएसआई फुल फॉर्म एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब तुम ही मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ईएसआई एसआई समझा दिया मैं, अब लिखा है तुम्हारे सामने ईएसआई एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्या मतलब इसका? इट मीन्स सेलिंग द सिक्योर्ड एसेट फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। एनफोर्समेंट मतलब बैंक का आपके प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट था कि अगर आप लोन नहीं चुकाओ तो वो बेच सकता है, तो अब वो अपने इस हक को एनफोर्स कर रहा है, मतलब अब वो बेच रहा है, ठीक है। मैंने जो बोला था ना कि एनपी हो जाने के बाद बैंक आपके पास नोटिस भेजता है 60 दिन का कि पैसा दे दो, वो नोटिस सेक्शन नंबर 13 में ही तो जाता है। सेक्शन नंबर 13 क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इट मींस बैंक वांट्स टू सेल, एनफोर्स मतलब सेल द सिक्योर्ड एसेट, ठीक है। तो अब ईएसआई समझ गया ना, ईएसआई मतलब सेलिंग द सिक्योर्ड एसेट, एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब जो तुम्हारा हक है उसमें वो तुम अब एनफोर्स कर रहे हो, मतलब बेच रहे हो फॉर रिकवरी ऑफ लोन। आर बी क्लियर? अब ऊपर देखो एक एक करके, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको रिकैप करता हूँ पूरा एक राउंड अप। उधर कहानी चालू होती है, जिसने लोन दिया कौन है, वो बैंक, उसका टेक्निकल नाम क्या है, ओरिजिनेटर। लोन किसको दिया था, लोन मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको दिया था, बोरोवर्स को, बोरोवर्स एनपीए बन चुका है, बोरोवर्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं बोलो, ओबलाइजर, क्या बोलते हैं, ओबलाइजर। अच्छा, इस ओबलाइजर ने बैंक के पास क्या गिरवी रखा था, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज को क्या बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक ने तुमको बेच दिया, कितने में बेचा, 750 crore, खरीदने वाला कौन, एआरसी, एआरसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्योंकि इसको एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना है, जो बीच में बच गया वो प्रॉफिट है इसका, ठीक है। अच्छा, एआरसी के पास पैसा कहाँ से आएगा, इट विल इशू सिक्योरिटी रिसिट्स टू द क्वालिफाइड बायर्स हु आर नोन एज इन्वेस्टर्स, और वो पैसा देंगे, उस पैसे से खरीद लेगा, ठीक है। सच सिक्योरिटी रिसिट्स आर इन द नेचर ऑफ
एंड द नेचर ऑफ डिबेंचर्स, एंड द नेचर ऑफ डिबेंचर्स जिस पे इंटरेस्ट देना है, तो एक तरफ वहां से एनपीए रिकवरी होगा और यहां से दिया जाएगा इसको, ठीक है, इसको पेमेंट कर दिया जाएगा इंटरेस्ट और रिडेम्पशन, जो डिफरेंस बच जाएगा सो प्रॉफिट। नो मैं बोल रहा हूं कि इन सिक्योरिटी रिसिट्स को एमबीएस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमबीएस, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, बिकॉज इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डिबेंचर टाइप का इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेजेस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी। ठीक है, ये समझा क्या? ये भी एक सिक्योरिटी होता है, इट्स जस्ट लाइक डिबेंचर्स, एमबीएस इज जस्ट लाइक डिबेंचर्स, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। फंडा समझ आ रहा है? इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर जैसा है, डिबेंचर जैसा है ना, डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिक्योर्ड अगेंस्ट विच असेट, द मॉर्गेजेस, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। क्लियर है? अभी आप सुनो जरा, ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में आपने क्या किया, एआरसी ने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस का जो, इस पूरे प्रोसेस का जो हीरो है वो कौन है? वो एआरसी है। इस प्रोसेस का हीरो कौन है? एआरसी, स्पेशल पर्पस व्हीकल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसने क्या किया? इसने लोन्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, इसने डेट को, बॉस ये जो बोरोवर्स इसको डेट बोलते हैं ना, डेट, इसने डेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, हेंस द नेम डेट सिक्योरिटाइजेशन। हेंस द नेम डेट, ऊपर देखो मैंने कुछ लिखा एक्स्ट्रा, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नाम बदल दिया मैंने, क्या नाम रखा है बोलो? डेट सिक्योरिटाइजेशन। वॉट इज डेट सिक्योरिटाइजेशन? कन्वर्टिंग द डेट विच इज द एनपीए, एनपीए इज अ डेट, नो, कन्वर्टिंग द डेट इंटू सिक्योरिटीज, इंटू सिक्योरिटी रिसिट्स, सो यू आर कन्वर्टिंग द डेट इंटू सिक्योरिटीज, हेंस इज कॉल्ड डेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है भाई, बात क्लियर है अपने को? कोई दिक्कत है या? ठीक है, यहां तक समझ गए? अभी और कुछ नहीं बोला ना इसमें, कोई डाउट बोल दो, नहीं तो मूव ऑन करेगा हम। ओके, ठीक है, ऊपर तो अभी अभी ऊपर देखो कितने तरह के ट्रांजैक्शन थे, एस से सिक्योरिटाइजेशन, सेक्शन नंबर बोलो 5। नीचे सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन सिक्योरिटाइजेशन, यू वॉन्ट बिलीव इट, इंस्टीट्यूट ने दो दो आंसर दिया, पहली बार सजेस्टेड आंसर में दो दो आंसर, इंस्टीट्यूट ने बोला, एक आंसर था टेक्स्ट के फॉर्म में पूरा और एक आंसर था डायग्राम के फॉर्म में, इंस्टीट्यूट ने बोला स्टूडेंट चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में समझाए चाहे डायग्राम के फॉर्म में, दोनों ही केस में मार्क्स देना है, ऑल्टरनेटिव आंसर करके लिखा हुआ था, खुद इंस्टीट्यूट बोल रहा था अगर डायग्राम बना के भी समझा देगा चलेगा। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज डेट सिक्योरिटाइजेशन, कैन वी एक्सप्लेन देम थ्रू दिस डायग्राम, एब्सोल्युटली, मैंने सारा टेक्निकल नाम बताया कि नहीं बताया? इतना जितना बताया हूं ना, इतना किसी किताब में, गूगल में, इंटरनेट में कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओबलाइजर। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर। उसको नीचे वाले क्या बोलते हैं? एसपीवी। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। अच्छा, मैं राई हूं, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? नहीं, आरआईआई लोग नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? क्यूबी। क्यूबी मतलब, ओके, सिक्योरिटाइजेशन हो गया, ये क्या नाम है तुम्हारा, ये तीन नंबर क्या बोलो, एसी, ईएसआई, फुल फॉर्म एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो सिक्योर्ड असेट था उसी को बेचो, दैट इज एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर बोलो 13। अच्छा, ईएसआई को मैं लिखाऊंगा नहीं, अभी तो नहीं लिखाऊंगा, वो बहुत बाद में डिटेल में लिखाऊंगा, अभी खाली मतलब बता के छोड़ रहा हूं। जैसे मैं बैंक को आया, आईसीआईसी बैंक, सामने वाला बोरोवर है, बोरोवर मेरा पैसा नहीं चुकाया, 90 दिन वेट करूंगा, एनपीए बना, एनपीए बनने के बाद आई विल सेंड अ नोटिस कि 60 दिन के अंदर तुम्हारा ईएसआई चालू कर देंगे, नहीं तो पैसा चुका दो, दैट इज द प्रोसेस। ओके, अभी दो नंबर में, मिडल में दो नंबर में क्या लिखा है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सेक्शन नंबर 9। What is asset reconstruction?
ये जो कंपनी है एआरसी, इसका काम क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन करना। एसेट मतलब एनपीए को रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब एनपीए को कुछ ऐसा करना कि पैसा मिल जाए। एनपी एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एसेट मींस एनपीए, एनपीए रिकंस्ट्रक्शन मतलब एनपीए को कुछ ऐसा कर दो कि पैसा आ जाए। अभी तक अपने इस डायग्राम से ये तो नहीं डिसाइड कर पाए कि रिकवरी कैसे होगा, क्या कर पाए क्या? अभी तो ये पता नहीं चला रिकवरी, रिकवरी तो करना पड़ेगा ना, तो रिकवरी कैसे होगा? सुनो, रिकवरी के जितने तरीके जानते हो, सबका सब एसेट रिकंस्ट्रक्शन, मैं एक एक करके बोल रहा हूं। नाउ यू लिसन टू मी। पहला तरीका, एआरसी उनसे बात करेगा, बोलेगा कि अगर पैसा नहीं दिया तो वो सिक्योर्ड असेट बेच देंगे। ठीक है, तो सिक्योर्ड असेट को बेच देना, दैट इज अ मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी ईएसआई इज अ मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सेकंड, सेटलमेंट कर सकता है उनके साथ, बोरोवर को बोलेगा कि यार चलो 70% दो, सेटल कर लेते हैं। कितना दो? 70% दो, सेटल कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है सेटलमेंट। थर्ड, वो बोरोवर अच्छा है, बोरोवर बोला कि देखो हमारा कोई बैड डेट देने का इच्छा नहीं है, एनपीए का इच्छा नहीं है, हमारा वो बिजनेस ऐसा हो गया है, तो गिव अस मोर टाइम। ठीक है, तो ऐसे केस में लोन का रीस्ट्रक्चरिंग होगा, मतलब सपोज 10 साल का लोन था तो उसकी टेनोर को बढ़ा के 25 इयर्स कर देंगे। ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट को छोटा छोटा कर देंगे, तो पेमेंट का चांस बढ़ जाएगा कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, मैं क्या बोला था, मैं भूल गया अभी। हाँ, 10 साल का जो टेनर है लोन का, उसको अगर बढ़ा के हम लोग 25 इयर्स कर देगा बैंक, ये एआरसी बोलेगा चलो एक्सटेंड कर देते हैं 25 साल में, दो छोटा छोटा करके दो, तब तो आराम से दे पाएगा। अच्छा, और तो और बोरोवर ने रिक्वेस्ट किया कि देखो अभी फिलहाल साल भर तक कुछ मत बोलो, साल भर तक एकदम खस्ता हालत है, तो एआरसी बोलेगा आई एम गिविंग यू 1 ईयर का मॉरेटोरियम। ये शब्द तो आता है मॉरेटोरियम पीरियड आईबीसी कोड में, सुना है ना, वहां 180 दिन का होता है। यहाँ बोला एआरसी बोला हम समझ रहे तुम्हारा धंधा वीक है, चलो लोन 25 साल का कर दिया और 1 साल का मॉरेटोरियम है, तुम 1 साल बाद से पैसा देना चालू करना। ठीक है, 1 साल बाद से पैसा देना, तो 1 साल का मॉरेटोरियम ही दे देगा आपको, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, अरे गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, एक खतरनाक काम, एक बहुत खतरनाक काम, लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देना। मतलब कंपनी तो पैसा चुका नहीं रही है एआरसी को, तो एआरसी ने बोला वो जितना लोन का अमाउंट है उतने को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो, हम लोग तुम्हारे ओनर बन जाएंगे, तो एआरसी विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, फिर शेयर्स किसी और को बेचेगा। तो लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये अमेलगमेशन में भी आया था, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। और ये आरबीआई का गाइडलाइन है, ये कोई इलीगल काम नहीं है, आरबीआई बोला ऐसा कर सकते हैं। आरबीआई गेटिंग माय पॉइंट। ऑल द मेजर्स थ्रू विच यू कैन रिकवर द मनी इज नोन एज असेट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, डाउट है क्या? क्लियर है? ये हटा सकता हूँ एक बार, अभी नीचे देखो, तुम लोग एस समझ गए, ए आर समझ गए, ई एस आई समझ गए, बोलो फुल फॉर्म, एस से सिक्योरिटाइजेशन, ए आर से एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ई एस आई से एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट इज प्रिसाइसली द नेम ऑफ द चैप्टर सर फेजी। एस से सिक्योरिटाइजेशन, आ एंड आर एफ ए, आर एफ ए मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, दैट इज वी आर कॉलिंग असेट रिकंस्ट्रक्शन, एंड ई एस आई एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कमाल की बात है, चारों का सॉरी तीनों ट्रांजैक्शन का सेक्शन नंबर ऑड नंबर है और चार चार के गैप पे, 5, 9, 13, 5 + 4 = 9, 9 + 4 = 13, याद रहेगा। सिक्योरिटाइजेशन 5, एसेट रिकंस्ट्रक्शन 9, एसी 13, डन है। अब ये सब तो सब क्लियर हो गया ना? ठीक है, नाउ वी विल गो बैक टू बुक। क्वालिफाइड बायर, इसी में थे ना अपने, अब इसमें एक छोटा सा डब्बा है, प्लीज रीड द डब्बा। एंड ए आर सी कैनॉट रेस फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स विच इज नॉट अ, मैंने सीधा बोलना ओनली क्यूबी, तो क्यूबी को छोड़कर बचा कौन यार? हम लोग जैसे तो इसमें लगाएंगे भी नहीं पैसा। इट्स अ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, जो खुद डूबा हुआ है उसको सिक्योर्ड असेट मान के उसमें सिक्योरिटीज दिया है। हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, डूब जाएगा पैसा हमारा। ठीक है, तो हमारे लिए है भी नहीं। ओके,
ये डेफिनेशन पढ़ाया था, इस डेफिनेशन में भी वैसा ही एक सेम डब्बा डाला है, देखो तो अब पढ़ो। NARC कैन नॉट, ठीक है ना, ये मिल गया सभी को ये चीज, मैं फंडा समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। तुमको मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मेरे को तुम्हारा कहानी का तो नहीं पता, इंटर की बात है ये। हाँ, जब मेरा एग्जाम था ना तब 50 मार्क कॉस्ट, 50 मार्क SFM नहीं, FM हुआ करता था, आई थिंक इट वॉज 50-50, आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि 60-40 था कि 50-50, पुरानी बात होगी। तो ऐसा कुछ था, नहीं 50-50 था, ठीक है। तो 50 मार्क का जो FM था, मैं कहीं एक कोई सर से पढ़ा था, मेरे को अब उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट लेस, मतलब मैं खाली एनरोलमेंट किया था एंड देन फिर मैं गया नहीं, मेरे को जमा नहीं, फिर मैं किसी एक दूसरे सर से भी पढ़ा था FM XYZ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि तुमको मालूम होगा कि FM का जो मैट होता है, सम्स वाले चैप्टर्स चल रहे हैं, ओके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, लास्ट में जाके एक थ्योरी का वो आता है, कुछ उसमें रहता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स थे, जीरो कूपन बॉन्ड फलाना ढिमका भरा हुआ था, और एक ये शब्द था डेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। और मेरा तो पता नहीं, मेरा हिस्ट्री रहा है कि मैं जितने भी टीचरों से पढ़ाऊं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो तब तुम जानते हो थ्योरी टीचर्स थे नहीं या अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो डेट सिक्योरिटाइजेशन को मतलब जितना भी मैं टीचर से पढ़ा, जो प्रैक्टिकल आते हैं उसमें कहीं भी कोई थ्योरी आ जाए वो लोग हाथ नहीं लगाते, समझाते नहीं, हाथ नहीं लगाते, सर के ऊपर से भागता है। अभी तुम देखो डेट सिक्योरिटाइजेशन तुम समझे, कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं था कि समझाया नहीं जा सके। और मैं सच्ची बोलता हूं, अगर मेरे सामने इंटर का स्टूडेंट भी बैठा होता, फाउंडेशन बैठा होता ना, मैं उसको समझाता, फाउंडेशन 12 को समझाता मैं, ठीक है। थोड़ा समय और ज्यादा लगता, थोड़ा और ज्यादा मेरे को ढीला करना पड़ता कंसेप्ट, पर समझा सकते थे। पर ये सब इतना सारा कंसेप्ट आता है, और वो इंटर में जो प्रैक्टिकल वाले सर लोग होते हैं ना, अकाउंट्स कॉस्ट एफएम, थ्योरी वाला पोर्शन है पूरा एकदम हाथ खड़ा इग्नोर, ठीक है। और उसका सारा खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ता है, एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम में मैं बता देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CS एंड CMA इनके एग्जाम्स में सिर्फ सम्स नहीं होते, दुनिया भर की थ्योरी भरी होती है। और वो हम लोग आंसर करते नहीं, तो अपना 20 मार्क तो ऐसी स्वाहा हो जाता है, फिर 20 मार्क का पेपर छूट गया, अब कितना आएगा, तुम समझ रहे हो। जबकि हार्ड चीज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन कि रिस्क। अच्छा, मैं जो पढ़ाया हूं ऐसा तो है नहीं कि मैं मार्केट पेट से सीख के आया, मैंने भी तो रिसर्च ही किया था। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू टूडे इज अ वो रिसर्च करके तो मिला, तो किया जा सकता था, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं होता। ऐसे इस चैप्टर के अंदर 500 कॉन्सेप्ट भरे पड़े, या तो तुम ऐसे रीड मार लो और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, या फिर तुम थोड़ा सा समझ के पढ़ लो, आराम से पल्ले भी पड़ेगा और लॉन्ग टाइम याद भी रह जाएगा। अब क्या होने जा रहा है, आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ये ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटाइजेशन अभी पढ़ाया, तो एक बार उसका डेफिनेशन तो बनता है, होल्ड। दूसरा AR का फुल फॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन, उसका डेफिनेशन बनता है। तीसरा ESI का कोई डेफिनेशन नहीं है, SI का डेफिनेशन है, ठीक है, ESI का नहीं है, किसका है, SI का है। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू दीज डेफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहले विल गो फॉर सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, अब तुम खुद ये डेफिनेशन पढ़ो, देखो तुमको पूरा अंदर का बात समझ में आएगा। सिक्योरिटाइजेशन मींस तीन पॉइंट्स मार्क किए मैंने, पहला एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय ARC। क्या मेरे डायग्राम में ARC ने NPA खरीदा था, यस। सेकंड, फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर, किससे खरीदा था, बैंक से, ओरिजिनेटर माने बैंक, ठीक है। खरीदने के लिए ARC के पास पैसे कहां से आए, वेदर बाय रेजिंग ऑफ फंड्स बाय सच ARC फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिट्स रिप्रेजेंटिंग
अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल असेट मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी. मतलब ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स आपको मिला, ये सिक्योरिटी रिसीट्स आर सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेजेस. तो दीज सिक्योरिटी रिसीट्स रिप्रेजेंट अनडिवाइडेड इंटरेस्ट. मतलब क्वालिफाइड बायर का भी अब उसमें इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, जैसे पहले उस मॉर्गेज में बैंक का इंटरेस्ट था, फिर उसमें एआरसी का इंटरेस्ट था, अब उसमें क्वालिफाइड बायर का इंटरेस्ट है, बिकॉज इसी के दम पे तो पैसा रिकवरी होगा. ठीक है, तो क्या लिखा पढ़ो, रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल असेट. यही तो एमबीएस की निशानी होती है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. और अदरवाइज, ठीक है, ये अदरवाइज क्यों बोला है, देखो ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है. ठीक है, देर आर अदर मीन्स ऑल्सो. ठीक है, तो इसीलिए हर चीज में यहाँ एक अदरवाइज रहेगा, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, जबकि होना तो वही है कि सिक्योरिटी रिसीट्स इसी से लेके पैसा देंगे. ओके, तो प्लीज अब डेफिनेशन का तीन पोर्शन याद करो. पहला, एक्विजिशन ऑफ द एनपीए बाय एआरसी फ्रॉम द बैंक्स बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स टू क्यूआईबी एंड रेजिंग फंड देयर फ्रॉम. ठीक है, हो गया ये डन सिक्योरिटाइजेशन. हूबहू ऐसा आंसर एग्जाम में लिख के आ पाना मुश्किल है. तुम अगर इसको ब्रेक डाउन करके अपने लैंग्वेज में तोड़ के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हूबहू डिटो नहीं कॉपी कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी. देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स टू बी रिमेम्बर्ड, रट्टा नहीं हो पाएगा. ओके, हटा दें इसको सिक्योरिटाइजेशन. अब नेक्स्ट डेफिनेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन. एक्विजिशन बाय एआरसी, मतलब फिर से पारस खरीद रहा है, किसको खरीद रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि एनपीए को खरीद रहा है. क्या खरीद रहा है, सेकंड पॉइंट देखो, एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब मॉर्गेज खरीद रहा है. फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब लोन, लोन में बैंक का राइट क्या है, मॉर्गेज का राइट है, तो यानी मॉर्गेज राइट खरीद रहा है ना. तो पारस मॉर्गेज खरीदा था ना, ठीक है, क्यों खरीदा था, थर्ड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द एनपीए. क्लियर है, नाउ यू आर ओके विद दिस. देखो तोड़ के सिंपल भाषा में बोलोगे याद रहेगा, बुकिश भाषा में हार्ड लगेगा, पर अभी ठीक है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है, मैं हटा सकता हूं उसको क्या. ओके, अब कुछ कुछ हो गया है, कुछ और करना है. आई विल ड्रॉ डायग्राम अगेन, छोटा सा डायग्राम. एक एक करके करेंगे. द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम इज टू लर्न फोर डेफिनेशंस. ओके, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग चार डेफिनेशंस करने जा रहे हैं. उधर क्या लिखा हुआ है,
बोरोवर, बोरोवर कौन होता है? ठीक है, चले उधर। बोरोवर मीन्स पेज नंबर 5.2। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले ना दो तीन चीज एडवांस में बता देता हूँ। एक बोरोवर का मतलब तो तुम जानते ही हो, बोरोवर मतलब जो लोन लिया, बैंक गारंटी लिया, लेटर ऑफ, ये सब नाम मालूम है ना, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज बैंक्स है, उधर बैंक्स, इस बार मैं बोरोवर हूं, माई नेम इज एक्स लिमिटेड, माई नेम इज एक्स लिमिटेड, आई एम द बोरोवर, आई एम द बोरोवर। ठीक है, तो वहां कोई बैंक खड़ा है, आईसीआईसी बैंक, मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैं बोरो कर रहा हूं। यार बैंक वाले ना आपको दो तीन तरह का असिस्टेंस देते हैं। द फाइनेंशियल असिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब बैंक ने मेरे को लोन दिया, कैश क्रेडिट दिया, ओवरड्राफ्ट दिया। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा मॉनिटरी फाइनेंशियल असेट। कुछ कुछ होता है नॉन मॉनिटरी फाइनेंशियल असेट, जैसे बैंक ने मेरे खातिर बैंक गारंटी दिया, बैंक ने मेरे खातिर किसी थर्ड पर्सन को बैंक गारंटी दिया, तो क्या बैंक का पैसा निकला है? अभी तो नहीं निकला है ना, गारंटी दिया खाली, पर दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल असिस्टेंस। या फिर ऐसा सोचो कि आई एम एन इम्पोर्टर, इम्पोर्टर करता हूं, मैं इम्पोर्ट किया हूं, तो बैंक ने मेरे बिहाफ में फॉरेन सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज लाइक अ बैंक गारंटी, यस और नो? इट्स लाइक अ बैंक गारंटी, तो इसने उसको वो दिया है, क्या बोला था मैं, बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, तो वो भी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस में आएगा। तो मैं कौन हूं? बोरोवर हूं। तुम हर केस में मेरे को क्या बोलोगे? बोरोवर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा बैंक का केस को परे हटाओ। बैंक ने अपने सारे एनपीएस को एआरसी को बेच दिया था, बैंक हैज सोल्ड मी टू एआरसी, तो अब मैं किसका बोरोवर बन गया हूं? एआरसी का। कल तक मैं बैंक का बोरोवर था, अब मैं एआरसी का बोरोवर हूं, तो एआरसी का बोरोवर भी बोरोवर है ना, एआरसी का बोरोवर भी बोरोवर है, भले उसने एआरसी से लोन नहीं लिया, बट वो ही हैज बीन असाइंड टू द एआरसी, तो आई विल ऑल्सो बी नोन एज बोरोवर ऑफ एआरसी। ठीक है, नेक्स्ट ये केस हटाओ। तीसरा, आई एम एक्स लिमिटेड, ध्यान से सुनना, आई एम एक्स लिमिटेड, मैं हर चीज ड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब इमेजिन करो, आई एम एक्स लिमिटेड, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, उन्होंने मेरे को पैसा दिया था और मैंने उनको डिवेंचर इशू किया था, डिवेंचर होल्डर्स आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आई एम बोरोवर। क्या? इफ डिबेंचर होल्डर्स आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स देन इनडायरेक्टली आई एम बोरोवर, तो द कंपनी विच इशूज डिबेंचर्स इज अ बोरोवर, द कंपनी विच इशूज डिबेंचर इज अ बोरोवर। नेक्स्ट सुनो, ठीक है ये साइड हटाओ, नेक्स्ट एक सुनो। सोचो इधर कोई एनबीएफसी है, कौन है? एनबीएफसी है, मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैं बिल्डर हूं, बिल्डिंग बनाता हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं बिल्डिंग बनाता हूं, मेरे को एक क्रेन चाहिए, क्या चाहिए? क्रेन, बिल्डिंग बनाने का काम है तो क्रेन तो चाहिए, क्रेन आता है करोड़ों का, बहुत महंगा होता है। ठीक है, और मैं खरीदना ही चाहता हूं, पर उसके लिए मेरे को फंडिंग चाहिए, लीजिंग चाहिए, तो मैं एनबीएफसी के पास गया और मैं बोला मेरे को फाइनेंस लीज करा दो। अब बोलने को फाइनेंस लीज है तो ये लोन अरेंजमेंट, यू नो दैट, समझ रहा है ना मेरे बात को? तो मैं बैंक को, ये एनबीएफसी को बोला कि यार सुंदरम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस को मैं बोला कि यार मेरा फाइनेंस लीज करा दो, लो ये सुंदरम फाइनेंस वो है, एनबीएफसी है और मेरे क्रेन का लीज करा रहा है, क्रेन 5 करोड़ का है, तो सुंदरम फाइनेंस ने क्रेन का पेमेंट कर दिया जेसीबी को, जेसीबी इज द वेंडर जो क्रेन बनाता है, ह्यूंडई वाले भी क्रेन बनाते हैं, टाटा मोटर्स भी क्रेन बनाते हैं, तो सुंदरम फाइनेंस ने जेसीबी को पैसा दे दिया और क्रेन उनके नाम पे ओनरशिप है, पर यूज मैं कर रहा हूं और मैं ही करूंगा और मैं इनको इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा, तो सुंदरम फाइनेंस इज द सिक्योर क्रेडिटर, तो मैं कौन हुआ? बोरोवर। तो लेसी, वो लेसर है, मैं लेसी, तो लेसी भी तो बोरोवर हुआ ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है,
जैसे मैंने लीज बोला वैसी हायर परचेज, ठीक है। हायर परचेज में जो असेट बेचता है उसको हायर वेंडर कहते हैं, और मुझको क्या कहते हैं, हायर परचेजर, ठीक है। तो मैं भी बोरोवर हूँ, तो बोरोवर के ये अलग अलग डेफिनेशन है, आएंगे यहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग टू राइट हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो। बोरोवर मीन्स एनी पर्सन हु हैज बीन गिवन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय बैंक और FI। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है बहुत कुछ, लोन, ODCC, BG, LC, सब कुछ। तो जो बैंक से लोन लेता है उसको बोरोवर ही बोलते हैं, तो पहला पॉइंट बोरोवर ही है। ओके है, डन है। ओके है, डन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सुनना, बराबर हो गया। अभी सुनो, माय नेम इज एक्स लिमिटेड, मैंने बैंक से लोन लिया था तो मैं तो बराबर हुई। एक्स लिमिटेड का जो प्रमोटर है, एक्स लिमिटेड का जो प्रमोटर है मिस्टर एक्स, उसने बैंक को इस लोन के लिए गारंटी दिया था, तो मिस्टर एक्स इज द गारंटर, ही इज ऑल्सो बराबर। उससे भी रिकवरी कर सकता है ना, तो ही इज ऑल्सो बराबर। ओके है क्या सबको, ठीक है। ये चारों पॉइंट क्लियर है। अच्छा बात करेंगे थोड़ा, एक मिनट भाई, इसके अंदर लेसी भी तो आएगा ना। लेसी मेरे को बताओ ढूंढ के, कौन से पॉइंट के अंदर लेसी कवर्ड है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में यू आर करेक्ट। सुंदरम फाइनेंस इज व्हाट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंस फीस देना ये भी तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो लेसी वहीं पे कवर हो गया। अब बताओ आ गया एग्जाम में डेफिनेशन तो लिख सकते हो क्या, समझ में आ रहा था पूरा, ठीक है। लिख दें इसको जाके वहां पे हम लोग कॉपी में।
ओके है क्या? ठीक है, ओके है क्या? पढ़ो, फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या क्या आएगा? देखो तुम लोगों को फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? लोन्स एंड एडवांस एक ही चीज होता है, ओके? और बोलो, ओडी मतलब, सीसी मतलब, बहुत बढ़िया, बीजी मतलब, एलसी, बस ठीक है, फाइनेंसिस तो फाइनेंसिस है ही। लुक एट दिस वन, ओके। एक और पॉइंट मेरे को लिख देना चाहिए था, डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स लोग भी तो है ना, तो वो भी लिख देना चाहिए, डिवेंचर। ठीक है, अब उधर चल के आते हैं एक बार। फाइनेंशियल असिस्टेंट मींस एनी लोन, एडवांस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी, ओडी, बीजी, एलसी, सीसी। ठीक है, कवर्ड है ये भी? इस देखो, ये चारों हो गया कि नहीं हो गए अभी? ये चारों हो गए अभी? ऊपर हटा दें इसको, पेज 5.4। नीचे कौन सा डेफिनेशन दिख रहा है? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन आएगा? ऑब्वियसली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉन्सोर्टियम ऑफ बैंक्स मतलब कॉन्सोर्टियम कहां पे आता है? एक बहुत बड़ी कंपनी को बहुत बड़ा लोन चाहिए जो एक बैंक नहीं देगा, तीन चार बैंक मिलके देंगे, दैट्स कॉल्ड कंसोर्टियम एडवांस। ठीक है, ये बैंक ऑडिट चैप्टर में आता है, कंसोर्टियम एडवांस। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स भी तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है कि नहीं है? सुनो, डिबेंचर होल्डर्स भी तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, बॉरोवर थोड़ा है, क्रेडिटर है। क्या डिबेंचर होल्डर्स एक एक जन आके हम लोग के खिलाफ सरफेसी करेगा कि उनके लिए कोई होता है? आईबीसी कोड में भी था ना, सेक्शन नंबर 21 का 6 से, ठीक है, आईबीसी कोड में था कि एक एक डिबेंचर नहीं आएगा, उनके भी में कौन आएगा? डिबेंचर ट्रस्टी, तो वो डिबेंचर होल्डर्स का प्रतिनिधि करता है। एआरसी भी आएगा, एआरसी इटसेल्फ इज, क्योंकि बैंक से खरीदने के बाद तो एआरसी बन जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर से वापस एक डिबेंचर ट्रस्टी, दो दो बार डिवेंचर ट्रस्टी क्यों लिखा है? बता रहा हूं, सुनो, एक होता है छोटा डिवेंचर ट्रस्टी, एक होता है बहुत बड़ा डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक है, एक तो नॉर्मल डिवेंचर ट्रस्टी, ह्यूमंस, हम लोग जैसे कोई, और एक होता है इंस्टीट्यूशन। सेबी के वेबसाइट पे अगर जाओगे, सेबी के वेबसाइट पे, और डाउनलोड करोगे लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डिवेंचर ट्रस्टीज, तो 400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम निकल के आएगा। तो भारत में 400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रस्टी हैं। ठीक है, तो वो है ये वाला। एनी अदर, ठीक है, चलो उधर चलते हैं, लिख देते हैं जाके अभी। बैंक्स एफआई, तुम्हारा ये डिबेंचर ट्रस्टी, एआरसी,
बैंक्स एफआई और लेसर एक साथ डिबेंचर ट्रस्टी एंड देन एआरसी एनी अदर ट्रस्टी. सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोरोवर को क्या दिया था? फाइनेंशियल असिस्टेंस. बोरोवर ने बदले में कुछ गिरवी रखवाया था ना, जो गिरवी रखवाया जाता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी. नहीं होता कुछ गिरवी रखना, गिरवी को क्या बोलते हैं? मॉर्गेज. और कोई नाम जानते हो? सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब मॉर्गेज. मॉर्गेज बिल्डिंग्स का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है. हाइपोथिकेशन मूवेबल असेट्स का होता है, व्हीकल्स का, सन्ड्री डेटर्स का. प्लेज होता है गोल्ड या शेयर्स वगैरह गिरवी रख देना. चार्ज मतलब समझते हो तो कंपनी लॉ का शब्द है. RTI मतलब, ये थोड़ा सा RTI वाला लैंग्वेज याद रखना. RTI मीन्स राइट टाइटल इंटरेस्ट इन टैंजिबल असेट्स एंड इन इनटैंजिबल असेट्स. लीज और हायर परचेज में जो असेट्स दिया जाता है उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर का एक राइट टाइटल इंटरेस्ट होता ही है. इट रिप्रेजेंट्स द अनपेड पोर्शन ऑफ द प्राइस. लीज क्या होता है? अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस. जो परचेज प्राइस है जितना हमने डाउन पेमेंट दे दिया, बचा हुआ क्या है? अनपेड पोर्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द असेट. ठीक है, ये क्लियर है? सिक्योर्ड, चार डेफिनेशन कवर हो रहे हैं. सिक्योर्ड क्रेडिटर, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बोरोवर.
ठीक है, आरटीआई इन टेंजिबल असेट, आरटीआई इन इंटेंजिबल असेट, और लीज हायर परचेज का मतलब क्या लिखा है, एनी असेट दैट इज गिवन ऑन हायर परचेज और लीज एंड इट सिक्योर्स द ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट, ठीक है, ये रहा सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्वालिफाइड बार हो गया। एनपीए का मतलब तो दो कौड़ी का है, इट मींस एसएसडीएल, एनपीए में तीन ही होता है ना, सबस्टैंड डाउटफुल लॉस, ठीक है, एनपीए मींस एन असेट और एन अकाउंट ऑफ द बोरोवर विच हैज बीन क्लासिफाइड बाय द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। डेट, डेट मीन्स द डेट एज डिफाइंड इन आरडीडीबी एफआई एक्ट, एंड इंक्लूड्स तो डेट का डेफिनेशन इनडायरेक्ट है, बोला डेट मतलब वही डेट जो आरडीडीबी एफआई एक्ट में डिफाइंड है, एंड इंक्लूड्स लीज, लीज हायर परचेज में जो अनपेड पोर्शन होता है वो भी एक डेट है। डिफॉल्ट का मतलब बोलता है जिस दिन बोरोवर को एनपीए बना दिया जाए वो दिन, और देखो एनपीए बनाने का काम जो होता है ना वो बेसिकली बैंक्स वगैरह का होता है, बाकी बोरोवर्स लोग एनपीए वर्ड यूज नहीं करते, तो बाकी में आपको क्लियरली 90 डेज बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर का रिडेम्पशन डेट गया, मैं एक्स लिमिटेड हूँ, डिबेंचर का रिडेम्पशन डेट आ गया था, चला गया 90 दिन हो गए, उन्होंने नोटिस भी भेजा पैसा के लिए, मैंने नहीं दिया, 90 दिन हो गए, तो एक तरह से मैं एनपीए ही हो गया, पर क्या है कि इशुइंग कंपनी को एनपीए नहीं बोलते, तो इसे 90 दिन अलग से लिख के बोल दो। नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट, इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर्स, इवन आफ्टर द नोटिस इज गिवन एंड इट रिमेन्स अनपेड फॉर 90 डेज। इसका सिंपल वर्जन यहां लिखा हुआ है, डिफॉल्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, जो अमाउंट बाकी है वो डेट के जैसा होना चाहिए, तभी आप सरफेसी में आओगे वरना नहीं आ सकते। द अमाउंट ड्यू शुड बी इन द नेचर ऑफ डेट, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जानते हो वो इसमें नहीं घुस सकते, आईबीसी कोड तो सबके लिए रास्ता खोल दिया था, एफसी ओसी है ना, और ओसी में याद है कौन था, गवर्नमेंट का टैक्सेस, एम्प्लॉई वर्कर का सैलरी एंड पर्सन टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, पर दोज ओसीज दे कैन नॉट टेक द रास्ता ऑफ सरफेसी, क्योंकि उनके पास कभी भी कुछ गिरवी होता ही नहीं है ना, तो ओसी लोग के लिए नहीं है ये, सिक्योर्ड क्रेडिटर होना पड़ेगा, एनपीए क्लासिफिकेशन होना जरूरी, और डिबेंचर्स है तो 90 दिन ड्यू रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बस एक ही लास्ट डेफिनेशन बचा है मेरे ख्याल से, हाँ क्या ये फाइनेंशियल असेट, मतलब वही लोन एनपीए, क्या क्या आएगा इसके अंदर,
तो फाइनेंशियल असेट का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, सब कुछ कवर कर लिया। और मैंने कुछ दिन पहले ऐसा बोला भी था तुम लोगों को कि जैसे अपने इंडिया में होम लोन बोलते हैं, गोरे लोग मॉर्गेज मॉर्गेज बोलते हैं, तो सब इंक्लूड कर लिया। डेट एडवांस, फिर मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आरटीआई राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द सिक्योर्ड असेट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द डेट, आरटीआई इन टैंजिबल, आरटीआई इन इंटैंजिबल एंड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे, सब लिख दिए वापस। ओके, कवर होता है, देख लो सारा डेफिनेशन खत्म हो चुका है। एक बार वी शुड गो टू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में पेज नंबर 5.24। एसेट रिकंस्ट्रक्शन तो फर्स्ट डेफिनेशन था। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मींस द एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल असेट बाय द एआरसी फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल असेट। फिर फाइनेंशियल असेट का डेफिनेशन वो अभी पढ़ के आए 9 पॉइंट्स का। सिक्योरिटाइजेशन का डेफिनेशन बताना है और कॉन्सेप्ट भी समझाना है। तो डायग्राम, स्टूडेंट ने दो आंसर दिया था, आई ऑलवेज प्रेफर डायग्राम। हटा दूं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट। यहां नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट SSDL as defined in RBI guidelines, asset reconstruction, वही पहला definition, बस अब तो लगता है definitions और नहीं। ठीक है, यहाँ आ गए। सबसे पहला पार्ट हम लोग का हो गया डेफिनेशंस। अब आता है एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ये पहला दो स्टार है, ये पूछते हैं ये लोग एग्जाम में कि एक एआरसी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है आरबीआई के पास, कंडीशंस बताओ, या फिर आरबीआई जो है वो किसी एआरसी को दिया हुआ रजिस्ट्रेशन छीनना चाहता है तो उसका ग्राउंड्स बताओ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन 5, ये तो खुद सिक्योरिटाइजेशन है। यस, रिकंस्ट्रक्शन है 13 बी ई एस आई है निशा। ठीक है, तो अब हम लोग बड़ा टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं, वो बड़ा टॉपिक है एआरसी और उसके ऊपर फर्दर ज्ञान ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। So we will start with section 3, registration and cancellation of ARC. Section number 3 पहुंच गए। ठीक है, discuss करने जा रहा हूँ, पहले एक बार बातचीत करेंगे फिर we will put it down। ठीक है, मैं तुमको अभी section 3, section 4 पूरा details बताने जा रहा हूँ। section 3, एक asset reconstruction company को अगर अपना business start करना है तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
ये प्रेटी मच कॉमन सेंस की बात है, हिंदुस्तान में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिना आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के फंक्शन कर ही नहीं सकता। तो आपको भैया आरबीआई से तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आपका नेटवर्न फंड 100 करोड़ होना चाहिए, कैन यू सी 100 करोड़ दिख रहा है क्या? हाईलाइटर मार लो। कैन आई सी, सॉरी क्या बोल रहा था मैम, नेटवर्न फंड, इनका नेटवर्न फंड कितना? 100 करोड़। सुनो जी, पहले 2 करोड़ था, अभी 100 करोड़ है। ठीक है, तो जो जंप हुआ है वो एक साथ ही में हुआ है, ड्रास्टिक। बगल में लिखो एमसीक्यू, ऑप्शन में पक्का 2 करोड़ भी देंगे और तुमको टिक क्या करना है? 100 करोड़। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्ट आया था 2002 में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदुस्तान में 2002 के पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम होता ही नहीं था, इसके पहले भी होता था। तो 2002 के पहले भी देर वर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, बट व्हेन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स देन दोज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज विच एग्जिस्टेड फ्रॉम बिफोर दे विल हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस आरबीआई। ठीक है, तो इन्होंने बोला जो पुरानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां पहले से हैं वो जब रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगी तो उनका लास्ट 3 साल का धंधा देखा जाएगा कि लास्ट 3 साल में वो लोग प्रॉफिटेबली बिजनेस रन कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि अगर वो लोग लॉस में थे तब उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मैं क्या बोलता हूँ कि एक नया कंपनी बना है और वो जा रहा है आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन लेने, तो आप उसका 3 साल का हिस्ट्री कहाँ से लाओगे? तो वहां पर 3 साल का कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है किसके लिए चेक होता है? ये उनके लिए। ठीक है, अच्छा इनके डायरेक्टर्स पे कड़ी नजर है, इधर ध्यान दो, इनके डायरेक्टर्स पे कड़ी नजर है। इनके डायरेक्टर्स जो होने चाहिए ना, उनके खिलाफ कोई भी कन्विक्शन आरोप नहीं चलना, दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। इनके डायरेक्टर्स जो होने चाहिए उनके पास हैवी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए जो इस बिजनेस को रन कर सके। कंपनी लॉ के अंदर डायरेक्टर बनने का कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन बैंक्स के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई गाइडलाइंस। समझे, बैंक में कोई भी ऐरा गैरा नाथू खैरा जाके डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। और तुम बात को समझो, दीज एआरसीज आर लाइक बैंक्स, दे आर लाइक बैंक्स, तो इनका जो डायरेक्टर होगा उसका कुछ सर्टन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, जो पर्सन एक कंपनी को स्टार्ट करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। लेकिन अब सुनो, इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करते हैं उनको प्रमोटर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं स्पॉन्सर। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड को चालू करने वाले को प्रमोटर नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्पॉन्सर। ये सुना होगा शायद, है? वैसे ही क्या नाम है इसका, एआरसी। एआरसी को शुरू जो लोग करते हैं, जो इसके मेन ओनर, उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। द स्पॉन्सर मस्ट बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब होता है कि इनके खिलाफ कोई लीगल एलिगेशन वगैरह नहीं चल रहा है, इनका नेटवर्क बहुत सॉलिड है, उस तरह का, दैट इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अगर आरबीआई को सब लगा तो दे विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वरना दे विल बी रिजेक्टेड। सुनो, ये था सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन 3 में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है जो लिखा हुआ दिख रहा है, तुमको दिख रहा है? ये एक्चुअली 3 का नहीं है, ये जरूरी था एक्चुअली मेरे लिए यहां पे डालना, इसीलिए मैंने इसको सेक्शन 6 से काट के निकाल के यहां पे डाल दिया, थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, मैंने बाय द वे अभी डिटेल में पढ़ाया नहीं है, मतलब मैं पूरा डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करूंगा, समझाऊंगा, बुक में लाइन वाइन पढ़ाऊंगा, ये तो खाली बस ऐसे वो चल रहा है इंट्रो। ठीक है, ये पहले क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ये सेक्शन 6 का 3 क्या है सुन लो, LNM। देखो LNM, लक्ष्मी निवास मित्तल। ठीक है, वो मत लिख देना। ठीक है, याद करने में हेल्प होता है। ओके, सबका अपना मन है, मैं LNM बोलता हूँ, तुम LMN बोल सकते हो, कोई LEMON बोल सकता है। याद हमको 3 वर्ड रखना है, लोकेशन नेम मैनेजमेंट, लोकेशन नेम मैनेजमेंट। एक ARC है जिसको RBI से रजिस्ट्रेशन मिल चुका है,
ठीक है, एक ये आरसी है जिसको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, वो लोग अगर अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और इवन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ऐसा कुछ भी अगर होगा तो उनको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर चेंज ऑफ एलएनएम। रजिस्टर ऑफिस बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं या मैनेजमेंट बदल रहे हैं। ये अमेंडमेंट है हाईलाइटर, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। ठीक है, द वर्ड सब्सटैंशियल चेंज इन मैनेजमेंट मीन्स द चेंज इन मैनेजमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, या तो शेयर्स ट्रांसफर हुए, ओनरशिप चेंज हुआ तो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या फिर चेंज अफेक्टिंग द स्पॉन्सरशिप अमेंडमेंट, या फिर अमेलगमेशन टेक ओवर। ये जो ग्रीन कलर डाला हूं ना, ये अमेंडमेंट है। ओके, ये अमेंडमेंट है, थोड़ा सा संभाल के। हाँ, क्या सही है ना, बात करें अपने, कोई दिक्कत? एक बार बात कर लेता हूँ, सुनो। अगर एक एआरसी, ये एक्चुअली मेरे को अभी चाहिए इसलिए इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर एक एआरसी अपना मेन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो शिफ्ट करता है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, अगर अपना ब्रांच शिफ्ट करता है तो आरबीआई का अप्रूवल, अरे इनके ब्रांचेस हो सकते हैं ना, तो ब्रांच ऑफिस को शिफ्ट करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं है, रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल है, नाम चेंज करोगे तो अप्रूवल चाहिए, और मैनेजमेंट, इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल चेंज ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और एमडी और सीईओ। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल चेंज ऑफ मैनेजमेंट, याद कर लेना, ये सब जो एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है ना एक सेक्शन में, ये लोग एग्जाम में पक्का पूछते हैं कि बताओ तो सब्सटेंशियल चेंज ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तब तुम बोलोगे यार वो तो पढ़े ही नहीं, नीचे लिखा हुआ था, तो पढ़ लेते हैं। सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट इज द चेंज इन मैनेजमेंट ड्यू टू, क्यों चेंज हुआ मैनेजमेंट? टॉस, टॉस माने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ड्यू टू चेंज इन स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, जिसने एआरसी को स्टार्ट किया, स्पॉन्सर खुद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, तो स्पॉन्सर ने अगर अपना शेयर्स बेच दिया तो मैनेजमेंट चेंज होगा ही, या फिर अमेलगमेशन टेक ओवर। ठीक है, या फिर अमेलगमेशन टेक ओवर, डन है ये? ठीक है, ये थोड़ा सा प्लीज याद रखना, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नीडेड इफ देयर इज अ चेंज इन एलएनएम, लोकेशन, नेम, मैनेजमेंट, हटा देते हैं इसको। अब सेक्शन नंबर 4 क्या है, कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली आप लोग कुछ कांड वांड करोगे तो जिस आरबीआई ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है वही अब पारस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। पारस का रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स मेंशनड हियर, पारस हैज स्टॉप्ड कैरिंग ऑन द बिजनेस, पारस डज नॉट हैव एनी क्वालिफाइड बायर्स एज इन्वेस्टर्स एनी मोर। ठीक है, पारस ने अपना एलएनएम चेंज कर दिया बिना आरबीआई से अप्रूवल के। ठीक है, पारस जो है इट हैज फेल्ड टू रिडीम द सिक्योरिटीज ऑफ द क्वालिफाइड बायर्स, ये सब होगा, या पारस असेट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले आरबीआई पारस को हेयरिंग का मौका देगा कि नहीं देगा? हेयरिंग का मौका देगा। अच्छा, फिर कैंसिल कर दिया तो पारस बोलते हैं हम अपील करेंगे, अपील किसके पास करेंगे? बोला 30 डेज के अंदर सीजी, 30 डेज के अंदर सीजी के पास अपील करोगे। ठीक है, ये सब ग्राउंड्स वगैरह सब लिखा हुआ है। ओके, हाउएवर अगर पारस के पास क्वालिफाइड बायर्स का अभी भी पैसा पड़ा हुआ है तो फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ रीपेइंग द क्वालिफाइड बायर्स पारस विल डीम टू कंटिन्यू, बाकी सब नया ट्रांजेक्शन कुछ नहीं। ठीक है,
दिख रहा है बोर्ड पे? बोर्ड पे दिख रहा है ना भाई? थोड़ा छोटा लिख रहा है। ठीक है ना। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन? पहले 8 कंडीशंस था, फिर एक हट गया है, अभी 7 बचा है। ओके पहला कंडीशन क्या है? नो लॉस फॉर लास्ट 3 इयर्स। नाउ ये पॉइंट आप नए एआरसी पे तो कर ही नहीं सकते, ये तो उनके लिए कर सकते थे जो पहले से था, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, दूसरा आप अपना मेन धंधा करने लायक हो कि नहीं हो? हैव यू मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर नंबर 1 एआर, एआर मतलब एसेट रिकल्स, नंबर 2 पेमेंट्स टू QIB, ये आपकी मेन धंधे की पहचान है। तीसरा चौथा डायरेक्टर को लेके है कि कन्विक्ट नहीं है, एक्सपीरियंस है। पांचवा ये इसको लेके है, स्पॉन्सर को लेके है कि स्पॉन्सर इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिट एंड प्रॉपर का पर्सन का मतलब होता है नेटवर्क सही है और कोई लीगल केस वगैरह नहीं चल रहा है। ठीक है, दैट इज फिट एंड प्रॉपर। और क्या, यहाँ कोई इंसान थोड़ा ना जो फिट एंड प्रॉपर वैसे बोल रहे हैं। नंबर 6 आरबीआई का प्रोडेंशियल नॉर्म्स आप लोग फॉलो करोगे। आरबीआई ने ना सबके लिए प्रोडेंशियल नॉर्म बना रखा है, बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए, आरसी के लिए, सबके लिए। बोला फॉलो करोगे कि नहीं?
ठीक है, क्योंकि व्हाट इज प्रूडेंशियल लॉ, ये जो अपने एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं ना, इसी को बोलते हैं प्रूडेंशियल लॉन्स। ये जो अपने एनपीए में डिवाइड करते हैं, एनपीए पे प्रोविजंस बनाते हैं, एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट अक्रूवल पे रिकॉर्ड करना बंद कर देते हैं, इन्हीं सबको बोलते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ये तो खुद एनपीए का राजा है, सबका एनपीए खरीद के गांव का, तो ये बैठ गया अकेले। तो अगर किसी को प्रूडेंशियल नॉर्म सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए तो वो तो इसको करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट तुम जानते हो क्या समझाऊं उसमें। लेट्स गो टू सेक्शन 3 बुक। हो गया सबका लिखना? ठीक है, हटा दूं। लेट्स गो टू सेक्शन 3। क्या सबको सही है? ये ऊपर कर सकते हैं? आरबीआई आपको ग्रांट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करने के पहले हियरिंग का मौका पक्का देगा। ठीक है, अच्छा एलएनएम तो करा ही दिया मैंने, गुड ना। अब ऊपर करें सेक्शन नंबर 4।
तो कैंसलेशन के पूरे ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। कैंसलेशन के पहले आरबीआई एक बार हियरिंग का मौका देगा और आरबीआई के कैंसलेशन के बाद 30 दिन के अंदर सीजी के पास अपील कर सकता है। ठीक है, एक और बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो इस डायग्राम में नहीं आ पाया है, वो मैं अलग से बोल दूंगा। ऊपर मूव करें एक बार। ठीक है, ग्राउंड्स पहले याद करते हैं बिकॉज पूछा हुआ है एग्जाम में। नंबर वन एंड नंबर टू आर बिजनेस रिलेटेड, नंबर वन एंड नंबर टू इज बिजनेस रिलेटेड, नंबर थ्री एंड नंबर फोर इज अबाउट नॉन कंप्लायंस। ठीक है, नंबर वन और टू बिजनेस रिलेटेड, मतलब आप अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन का धंधा बंद ही कर दियो या फिर आपका क्वालिफाइड बायर्स के साथ अब कोई लेन देन इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया है, तो दैट्स बिजनेस रिलेटेड। ओके, यू हैव बिकम डिफंक्ट, डिफंक्ट याद है ना, स्टॉप्ड फंक्शनिंग। तीसरा, चौथा और पांचवा ये कंप्लायंस को लेके है। तीसरा क्या है, when the certificate of registration was given to you, it was obviously under some terms and conditions, you have violated those terms and conditions, या फिर ये registration के जो सात conditions section number 3 में लिखे हुए थे ये आप वो नहीं कर रहे, fulfill नहीं कर रहे, या फिर number 5, you have failed to do what? You have failed to do number 1, RBI का direction नहीं मान रहे, accounts नहीं बना रहे, accounts RBI में जमा नहीं कर रहे, LNM के लिए RBI से पूछ नहीं रहे, तो ये सब non-compliance related है। पहला दो धंधा, बाकी सब non-compliance। हेयरिंग होगा, सीजी को अपील करेगा ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्वियसली पता होना चाहिए, आज अगर आरबीआई किसी एआरसी का कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन और सोचो उस एआरसी का कुछ पैसा ड्यू है अभी, उसको रिडीम करना बाकी है क्वालिफाइड बायर्स को, तो रिडीम करेगा कि नहीं करेगा? तो बोला कैंसलेशन से रिडेम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिडीम तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, ये क्लियर है, वो इसमें आया नहीं है, उसमें चलते हैं। ठीक है, ऊपर कर देंगे, ये ग्राउंड्स दिख रहा है, ए बी सी डी ई, फिर ई के नीचे चार बुलेट्स और है, सब मैंने बोल्ड बोल्ड कर दिया, दिख रहा है तुम लोगों को, अंदर कर दिया हूं मैं। हेयरिंग होएगा, एप्लीकेशन टू सीजी इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज, क्वालिफाइड बायर से जितना भी पैसा ले रखे वो तो आपको देना ही पड़ेगा, आपके कैंसलेशन से उसमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहां तक ना एक पूरा अपना लेवल खत्म हो जाता है, यहां एक मतलब बाउंड्री, दिस इज ओवर, अब कुछ और चालू हो रहा है। ठीक है, बिफोर दैट लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट। ये रहा, RST is a securitization and reconstruction company. The certificate was cancelled. The certificate was cancelled. State the authority which can cancel RBI and the rights of the RST against such cancellation. Apply to CG in 30 days. Or grounds bhi bata dena tum log. ठीक है, क्वेश्चन 3-2 हो गया, देखते हैं बाकी और है क्या नहीं है इसमें। ये रहा, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच आरबीआई में कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ग्राउंड्स पूछ रहा है, पांच ग्राउंड्स और पांचवे ग्राउंड के अंदर चार पॉइंट्स और था, दो धंधा है, तीन नॉन कंप्लायंस है। धंधा वाला पॉइंट्स क्या था दोनों, वो एआर या एस का काम बंद कर दिया, क्यूबी के साथ उसका लेन देन खत्म हो गया है, नॉन कंप्लायंस का कंडीशंस वायलेट किया है, सेक्शन 3 वायलेट किया है, फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सबमिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन टू आरबीआई, एलएनएम कर रहा है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। ठीक है,
ये एक सेक्शन समरी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन का सेक्शन क्या है? 5। साथ में सटा हुआ क्या क्या है? 5A, 5 और 6। 7, 8 हट गया नहीं है। असेट रिकंस्ट्रक्शन 9, साथ में 10। अच्छा 11, 12, 12A, 12B वो खुदरे सेक्शंस हैं, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर ESI का सेक्शन क्या है? 13, 14। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन मैंने डायग्राम बना के पढ़ाया है, तो आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन विथ सिक्योरिटाइजेशन। ये रहा, स्टार्ट हो गया सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशंस कर लिए, एआरसी कर लिया, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारा कर लिया। अब टॉपिकल डिस्कशन होगा, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक करके डिस्कशन होगा। मैं डेट सिक्योरिटाइजेशन तो तुम लोगों को बता ही चुका हूँ, यहाँ से अब अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अंदर डिस्कस बाद में करूंगा, पहले कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें दिखाना है। थोड़ा पेज टर्न करो, देखो एक बॉल्स का डायग्राम आएगा। बीचों बीच वाले बॉल में लिखो सेक्शन 9, सेक्शन 9। तुम्हें याद होगा तीन तरह के ट्रांजैक्शन, एक है सिक्योरिटाइजेशन, एक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एक है ईएसआई। तो ईएसआई बता दिया था, सिक्योरिटाइजेशन बता दिया था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन अलग से कहीं लिखा ही नहीं था सेक्शन 9। तो ये देख लो, इस डायग्राम से एक बार पूरा समझ में आएगा कि कितने तरीके हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, ये जो बनाया हुआ डायग्राम है दिस इज ऑल इंक्लूसिव, मतलब तुम देखोगे इसमें सेक्शन 13 का भी मटेरियल आ जाएगा और सेक्शन नंबर 5 का मटेरियल भी आ जाएगा, मतलब एनी मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ द एनपीए इज कवर्ड हियर। ओके, एक एक करके। सबसे पहला तरीका बताओ क्या लिखा है मैंने, SDR, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ SDR, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्या मतलब होता है? लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, या एज पर RBI गाइडलाइंस होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है अभी बेचे नहीं है, केवल आपका प्रॉपर्टी फ्रीज किए, अपने पोजिशन में ले लिए। मैं ऐसा कहा तो बताया था मनी लॉन्ड्रिंग में, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग, ये इसी बैच में, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में पहले होता है अटैचमेंट अंडर सेक्शन 5 और फिर होता है सेल, वो अंडर सेक्शन 8, ठीक, कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 8। तो अटैचमेंट का मतलब है जो क्रेडिटर है ना, सिक्योर क्रेडिटर बैंक वाले, वो आके प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, मूवेबल है तो ले जाएंगे, इमूवेबल है तो लॉक करके चले जाएंगे, दैट इज अटैचमेंट। अब देखो थर्ड वाला क्या लिखा है यार, अब ये तो कायदे से कहां होता है, पर बोला इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिकवरी, बेच देना असेट को, दैट्स ऑल्सो मेथड, तो वो भी इसमें घुसा दिया, ठीक है। चौथा टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, चौथा क्या है? टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अब से इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? बैंक वाले संभालेंगे जब तक अपना लोन चुका नहीं लेते, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब बैंक वाले अपनी तरफ से डायरेक्टर्स भेजेंगे, वो अब इस कंपनी को रन करेंगे जब तक कि बैंक का पैसा पे नहीं हो जाता। 5, पूरा का पूरा धंधा ही बेच दो।
स्लम सेल करवा दिया, पूरे बिजनेस का ही स्लम सेल करवा दिया। अगर एग्रीमेंट में लिखा था कि पूरा बिजनेस ही गिरवी है तो पूरे बिजनेस का स्लम सेल करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं बोलो तो शॉर्ट में, CDR, फुल फॉर्म कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब लोन के टेनर को लंबा कर देना, मॉरेटोरियम डाल देना, इंस्टॉलमेंट कम कर देना। ठीक है, तो रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन पेमेंट। सात का मतलब है सल्टाओ, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है कि जैसे गिव अप कर दो थोड़ा सा, 100 के बदले 70% में सेटलमेंट कर लो, वैसा सेटलमेंट समझ रहे हो ना। मतलब ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, डाउट में पूछा कि 70 ही क्यों, अरे 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 71 72 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये है डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अभी देखो क्या है, मैंने सबको एक टाइटल या नाम दिया है, इससे क्या इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मजाक के लिए बनाया हुआ है, ये सेक्शन में लिखा हुआ है। नंबर वन क्या है, मेरा हाथ का लिखा हुआ बोलो, SDR सुनते दिमाग में आ रहा है, कन्वर्टिंग डेट टू इक्विटी शेयर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट क्या है, ESI मतलब वही बेचना असेट को, वो डिटेल में आएगा सेक्शन 13 में, 60 दिन का नोटिस देके फिर छीन लेते हैं। चार नंबर क्या है, टेकिंग ओवर मैनेजमेंट एज अ गोइंग कंसर्न। पांच नंबर स्लम सेल ऑफ द बिजनेस। छह नंबर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सात नंबर सेटलमेंट। सो दैट्स 7 पॉइंट्स। ये 7 पॉइंट्स कहां दिए, सेक्शन नंबर 9। अमेंडमेंट करके SDR डाला गया था, 3-4 साल हो गए होंगे इस बात को, RBI केम अप विथ दिस न्यू टेक्निक स्ट्रेटेजिक डेट, कि भाई अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो। तो ये RBI का बनाया हुआ है, और RBI इसके लिए ARC को डायरेक्शंस भी दे सकता है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे करो, क्या RBI के पास डायरेक्शन देने का पावर है, RBI सबको डायरेक्शन दे सकता है। पूरे देश को डायरेक्शन दे दिया था। ओके, 9। ठीक है, इधर ये हो गया लिखना, वो ये बॉक्स बॉल क्लियर पूरा। अच्छा, 10 नंबर भी इससे कनेक्टेड, ये छोटा सा 10 के बगल में लिखो राम। ठीक, समझ गए। क्या टॉपिक का नाम है, अदर फंक्शंस ऑफ ARC। ARC कैन एक्ट एज राम, R से रिसीवर, एजेंट, मैनेजर। ये क्या है, समझा रहा हूं। तुमको याद होगा मैंने तुमको दो डेफिनेशन पढ़ाए थे, सिक्योरिटाइजेशन के और एसेट रिकंस्ट्रक्शन के, और दोनों डेफिनेशन के शुरुआत में एक डायलॉग था, एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल असेट बाई ARC, मतलब ARC ने खरीद लिया, मतलब ARC ने, पारस ने बैंक से NPA खरीद लिया। यहां बोल रहा है बिना खरीदे भी कर सकता है, मतलब बैंक वाले पारस को बुलाए, सपोज आई एम बैंक, मैं पारस को बुलाया, बोला पारस सुनो मैं तुमको अपना NPA बेचूंगा नहीं, बट सिंस यू आर एन NPA रिकवरी स्पेशलिस्ट आई एम अपॉइंटिंग यू एज द रिसीवर, जाके बेच के आओ इसका मॉर्गेज और पैसा दो। तो वो हुआ रिसीवर। रिसीवर इज लाइक अ लिक्विडेटर। ठीक है, रिसीवर इज लाइक अ लिक्विडेटर।
मैं पूछता हूं क्या फर्क है रिसीवर और लिक्विडेटर के बीच में. लिक्विडेटर पूरी कंपनी को डिसॉल्व करता है और रिसीवर सिर्फ उस पर्टिकुलर सिक्योर्ड असेट को बेचने के लिए आता है. ठीक है, तो मैं बोलता हूं रिसीवर इज लाइक अ मिनी लिक्विडेटर. ठीक है, तो बैंक वाला बोल सकता है ना पारस को कि पारस आई डोंट वॉन्ट टू सेल माई एनपीए टू यू फॉर 750 करोड़. 250 करोड़ का फटका लेने को तैयार नहीं हूं मैं, बट यू आर अ स्पेशलिस्ट तो जाके बेच के आओ. बी अ रिसीवर, बी अ लिक्विडेटर फॉर मी. ठीक है, या फिर बी एन एजेंट फॉर मी फॉर रिकवरी, या फिर बी द मैनेजर ऑफ द असेट्स. ठीक है, तो ये सब को बोलते हैं एजेंसी सर्विसेस. ये सबको क्या बोलते हैं? एजेंसी सर्विसेज ऑफ एजेंसी सर्विसेज ऑफ एआरसी. मतलब एआरसी एनपीए खरीद नहीं रहा है, वो एजेंसी सर्विस दे रहा है, मतलब बैंक के बिहाफ में. इसका मतलब क्या है? बैंक के बिहाफ में रिकवरी कर रहा है. क्योंकि अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो, तुम जाके देख सकते हो, असेट रिकंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन में भी बोला था एक्विजिशन, और सिक्योरिटाइजेशन में बोला था एक्विजिशन, मतलब खरीद लिया. यहां बोला खरीदा नहीं, एज एन एजेंट बैंक को सर्विस दिया. बैंक बदले में क्या देगा आपको? कमीशन मिशन दे देगा, और क्या. आर यू क्लियर? तो ठीक है, तो ये एजेंसी सर्विसेज है. यहां पे इट इज नॉट डूइंग टिपिकली जो असेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं कर रहा. टिपिकली जो असेट रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या खरीदता है? यहां खरीद नहीं रहा है. एनपीए अभी भी बैंक के पास पड़ा है और ये सिर्फ एजेंसी सर्विस दे रहा है. ओके, एग्जाम में जब ये आता है ना तो बस तीन शब्द याद होना चाहिए, राम, आर से, ए से, एम से. यहां तक ठीक है? प्रोवाइडेड दैट नो एआरसी शैल एक्ट एज मैनेजर इफ एक्टिंग एज सच गिव्स राइज टू एनी पिक्यूनियरी लायबिलिटी. इसका क्या मतलब है? एआरसी को मैनेजर की तरह अपॉइंट किया, अब एआरसी इज मैनेजिंग द असेट्स. एआरसी इज मैनेजिंग द असेट्स. अभी तुम देखो ऊपर यहां था ना एक टॉपिक, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट. इस पे ना डिटेल में एक सेक्शन आएगा बाद में, 15 कल आएगा. ठीक है, तो अब बैंक ने एआरसी को बोला कि तुम मेरे भी आप में जाके उस कंपनी का टेक ओवर कर लो मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट टेक ओवर कर रहा है. अब मैनेजमेंट में तो दिक्कतें आएंगी, पैसा चाहिएगा, पैसा है नहीं. तो एआरसी बोलते हैं हम खुद लोन दे देंगे. ठीक है, या एआरसी बोलते हैं हम किसी और बैंक से लोन दिलवा देंगे. वाह, ये तो एनपीए, एक बैंक का पैसा डुबा के रखा है. उस बैंक ने एआरसी को मैनेजर बना के भेजा है. अब एज अ मैनेजर एआरसी खुद किसी और बैंक से लोन दिलवा रहा है, तो बोलता है एआरसी शैल नॉट इनकर एनी मॉनेटरी लायबिलिटी. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो एआरसी शैल एक्ट एज मैनेजर इफ एक्टिंग एज सच गिव्स राइज टू एनी मॉनेटरी लायबिलिटी. एआरसी सिर्फ मैनेजर एजेंट है, और एजेंट के सर पे कोई लायबिलिटी होनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, ये सब काम करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा ना आरबीआई का, बिकॉज यहां पे ना तो वो सिक्योरिटाइजेशन कर रहा है ना असेट रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है. डेफिनेशन वाइज तो नहीं कर रहा है, डेफिनेशन वाइज तो उसको खरीद लेना चाहिए था. ठीक है, अच्छा अब मैं फिर से नाम बोलने जा रहा हूं. ये नाम भी तुम लोगों ने इंटर के एफएम में सुना होगा, फैक्टरिंग. ठीक है, फैक्टरिंग याद है ना? हाँ, वो समझ में आता है बिकॉज का सम्स घसते हैं ना हम लोग. फैक्टरिंग में क्या होता है कि बैंक वाले, या वहां पे बैंक का एग्जांपल रहता है, वहां कंपनी का एग्जांपल रहता है कि कंपनी अपने सन्ड्री डेटर्स का फैक्टरिंग करा रही है. रिकवरी करवाने के लिए एजेंट अपॉइंट किया, वो कमीशन लेगा. अब वो डेटर लोग से कैसे रिकवर करेगा? थोड़ा डिस्काउंट देगा, थोड़ा प्यार करेगा, ऐसे करके था ना वो भाई. तो कैन एआरसी डू फैक्टरिंग सर्विसेज? यस, विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. ठीक है, ये डन है. 19 का पैकेज क्लियर है.
एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग में से कोई जाके देख के आओ तो क्वेश्चन आंसर्स में 9 10 पे कुछ है क्या? सेक्शन 5 पे आ जाओ। नहीं है, सेक्शन 5 पे आओ, लिखो। सेक्शन 5, इट्स ऑल अबाउट डेट सिक्योरिटाइजेशन, रेफर कॉपी डायग्राम। अब सुनो, ठीक है, इधर ध्यान से सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने इसका सिर्फ एक पार्ट देखा है, एक पार्ट हमने नहीं देखा है, ठीक है। वो मैंने जो एक आज आती क्लास में डेट सिक्योरिटाइजेशन का एक डायग्राम बनाया था ना, इसमें सुनो, हाउ इज एआरसी अक्वायरिंग द एनपीए फ्रॉम बैंक बाय रेजिंग मनी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स, कि क्वालिफाइड बायर्स को सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज किया, उससे एनपीए खरीद लिया, ये वन ऑफ द वेज है। द सेकेंड वे इज, जो कि उतना फेमस नहीं है और जो है भी बकवास, सेकेंड वे क्या है कि एआरसी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एआरसी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं आपका सारा एनपीए तो खरीद रहा हूं पर आपको पेमेंट एक बार में नहीं करूंगा, इंस्टॉलमेंट में करूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर वो एनपीए से रिकवरी कर करके बैंक को इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। नाउ ये थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है, कारण क्या है, बैंक का पर्पस क्या होता है कि एनपीए को हटाओ अपने बैलेंस शीट से। बैंक का उद्देश्य क्या होता है, एनपीए को हटाओ अपने बैलेंस शीट से और एक बार में पैसा लो। अगर बैंक को तुमसे धीरे धीरे पैसा लेना तो ये क्या बुरे थे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लेकिन ये भी हो सकता है कि एआरसी इज नॉट सक्सेसफुल इन इशूइंग द सिक्योरिटी, क्योंकि ये तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, तो क्वालिफाइड बायर्स ऐसा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी लेने को तैयार नहीं है, मार्केट ठंडा चल रहा है अभी, तो इसीलिए एआरसी को इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ा कि मैं आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो अगर बैंक को अगर बैंक को भरोसा है एआरसी पे, तो इस तरह का भी एग्रीमेंट कर सकता है कि एक एग्रीमेंट साइन कर लेगा, धीरे धीरे पैसा देता रहेगा, रिकवर कर करके चलेगा। बैंक वाले ऐसा करने से ज्यादा अच्छा समझेंगे कि वो इसको अपना एजेंट ही रख लें, क्योंकि उसमें कमीशन देना पड़ेगा खाली, क्योंकि ये तो वही कर रहा है ना, रिकवर कर रहा है फिर हम लोग को पैसा दे रहा है। तो ये टोटली एक ऑप्शन है, इट्स नॉट कि ये होना ही है, इट्स एन ऑप्शन, ओके। और सही मायनों में देखा जाए तो वो डेट सिक्योरिटाइजेशन है भी नहीं, बिकॉज डेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है डेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना।
ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बैंक और एआरसी के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनपीए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनपीए सच एग्रीमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। ओके, बट आरबीआई ने क्लियर बोला ये जो, अच्छा स्टैंप ड्यूटी के बारे में तुम लोग अगर जानते नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टैंप ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टैंप ड्यूटी पे कानून है इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। स्टैंप ड्यूटी बहुत कम वैल्यू की होती है जनरली, लेकिन प्रॉपर्टीज वगैरह केस में बहुत हाई वैल्यू की होती है। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे अप्रोक्सीमेटली 7% स्टैंप ड्यूटी है, और ये पैसा किसको जाता है? मोदी सरकार को नहीं जाता, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी सबसे ज्यादा किस पे? प्रॉपर्टी पे ही है, प्रॉपर्टी पे ही है। बाकी सब एग्रीमेंट्स पे स्टैंप ड्यूटी जो है ना वो 12 आना 4 आना ऐसे तो मायने नहीं रखता। तुम लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग जब कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हो देखते हो स्टैंप पेपर में 100 रुपए का नोट बनाया हुआ रहता है। व्हाट इज दैट? दैट इज 100 रुपए का स्टैंप ड्यूटी दैट यू हैव पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग कोई भी एग्रीमेंट करते तो किस पे करते हैं? स्टैंप पेपर। इसका मतलब वो स्टैंप पेपर आपने खरीदा है स्टेट गवर्नमेंट से और आपने स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपए का स्टैंप ड्यूटी दिया है। ठीक है, अच्छा स्टैंप दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंप पेपर और एक होता है अफिक्स्ड स्टैंप। जो आर्टिकलशिप का तुम्हारा अग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर्म 102 103, हरे रंग वाला जो था 102, उस पर तुमने, याद है तुमने स्टैंपिंग करवाया होगा, कितने रुपए का है? मेरे को मेरे टाइम 65 रुपीज था, उतना ही है 65 रुपीज का। कोर्ट में जमा देके स्टैंपिंग कराया हुआ ना, ठीक है, तो वो होता है एडहेसिव स्टैंप। एडहेसिव स्टैंप मतलब वो फॉर्म 102 स्टैंप पेपर पे नहीं था, उस पर लाल रंग का जो रेवेन्यू स्टैंप आता है ना सरकार का, जिसपे वो शेर की मुंडी बनी हुई रहती है, वो जो इंडियन गवर्नमेंट का लोगो है, वो रेवेन्यू स्टैंप चिपकाया जाता है 65 रुपए का, दैट इज एडहेसिव स्टैंप। वो भी स्टैंप ड्यूटी है जो आप किसको दे रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो तुम आर्टिकलशिप करके 65 रुपए देते हो वो 65 रुपए किसको देते हो? स्टेट गवर्नमेंट को देते हो, दैट्स एडहेसिव स्टैंप। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट बनेगा ना इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। अब ऐसे एग्रीमेंट्स में स्टैंप ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मॉर्गेज का एग्रीमेंट का है। ये किसका है? मॉर्गेज का है, मॉर्गेज ट्रांसफर हो रहा है ना, एनपीए ट्रांसफर होने का पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी, पर इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए नहीं। ये एग्रीमेंट किस लिए हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन, तब जाके एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, ये सब अमेंडमेंट्स है, नए नए आए हैं, याद रहेगा तो क्लियर है ना, एग्जेम्प्शन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। इस चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है पीछे, तुम देख रहे हो, कंपेयर टू बाकी जो हम लोग कर रहे थे। बाकी जो मतलब एक लाइन लिखा एक क्वेश्चन चालू, इस पे उतना क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो यानी इसमें बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है उनके लिए पेपर सेट करने को। तो देर इज अ ग्रेट चांस कि जिस पे नहीं आया उसी पे पूछ लेंगे, तो स्कैनर विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, सबरोगेशन एक शब्द होता है, मैं सिखाना चाहता हूँ। सबरोगेशन का मतलब होता है, बस सुनो, स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ समवन एल्स। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है? स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ समवन एल्स, मतलब बैंक से एनपीए किसने खरीद लिया? एआरसी। तो हु हैज बिकम द सिक्योर्ड क्रेडिटर? एआरसी। तो अब बैंक के पास जितने राइट्स हुआ करते थे एज अ लेंडर, वो सारे राइट्स अब किसके पास आ गए हैं? एआरसी। दिस इज कॉल्ड सबरोगेशन। एआरसी हैज स्टेप्ड इन टू द शूज ऑफ द बैंk. ARC has stepped into the shoes of the bank. So ARC will now enjoy all the rights that the bank enjoyed for the recovery of NPA. That is called subrogation. इसको कैसे लिखाऊं मैं?
ठीक है, सबरोगेशन समझ रहे हो क्या? मतलब एआरसी विल बिकम द न्यू लेंडर, तो एआरसी विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ द लेंडर, जो पहले बैंक के पास था वो तो है ही। अच्छा, ये लीज और हायर परचेज न्यूली इंसर्टेड है ना, लीज और हायर परचेज याद है, तो ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट, ठीक है। तो अब वो जो लेसी है, अब वो अनपेड पोर्शन बैंक फाइनेंशियल लेसर को देगा कि एआरसी को देगा? एआरसी को देगा। इफ द बैंक इज होल्डिंग एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट अपॉन द टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट टू सिक्योर पेमेंट सच राइट टाइटल शैल वेस्ट इन द एआरसी। लीज हायर परचेज के केस में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पावर होता है द राइट टू रिसीव द अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द टैंजिबल इनटैंजिबल असेट। तो ये राइट्स अब बैंक से निकल के किसको चला जाएगा? एआरसी को। रेड कलर पढ़ो। इफ द बैंक और एफआई इज होल्डिंग एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट अपॉन एनी टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट देन सच राइट टाइटल इंटरेस्ट शैल वेस्ट इन द एआरसी, ठीक है। तो वही ये लीज हायर परचेज से कनेक्टेड है। ब्रैकेट में देखो ना, हायर परचेज वाली भाषा है, टू सिक्योर पेमेंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द असेट। मिला क्लियर? नेक्स्ट, बैंक के साथ बोरोवर के जितने भी अग्रीमेंट्स हुए थे वो सारे अग्रीमेंट्स अभी भी वैलिड रहेंगे, बस बैंक की जगह कौन आ जाएगा? एआरसी। बैंक और बोरोवर के बीच में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड डॉक्यूमेंट, मॉर्गेज डीड वगैरह था वो सब अब किसके फेवर में आ जाएगा? एआरसी, ठीक है। पढ़ो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा टू विच द कंसर्न्ड बैंक इज अ पार्टी और ऑन इन हूज फेवर इट वॉज एग्जीक्यूटेड, वो सब अब किसके फेवर में हो जाएगा? एआरसी। जो भी लीगल केसेस वगैरह चल रहे थे बोरोवर के खिलाफ इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल असेट वो चलते रहेंगे, वो डिसकंटिन्यू नहीं होंगे। मतलब बैंक ने ऑलरेडी बोरोवर के खिलाफ लीगल केस कर दिया था, तो वो लीगल केस अब एआरसी के नाम पे कंटिन्यू चलेगा। बैंक के साथ जितना भी लीगल केसेस चल रहा था बोरोवर का वो सब एआरसी के नाम पे अब कंटिन्यू चलेगा। अरे वो तो चॉइस था रे, दैट वाज वन ऑफ द वे, और वो तो एआरसी रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे कर सकता है। अरे आईबीसी कोड में मॉरेटोरियम कंपलसरी, यहां तो मॉरेटोरियम जब मैं बोल रहा था वो तो एक एग्जांपल था, जरूरी थोड़ा कि मॉरेटोरियम ही करेंगे। अभी डिब्बा वाला डायग्राम देखा था, सर्कल वाला, कितने सारे तरीके हैं, और उसमें भी सीडीआर था, रीशेड्यूलमेंट, कि लंबा कर देंगे, इंटरेस्ट कर देंगे, मॉरेटोरियम देंगे, जरूरी तो नहीं है, दे भी सकते हैं, इट वाज जस्ट अ चॉइस, ठीक है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसको जाएगा? डीआरटी। मतलब जो जो केसेस बैंक के साथ था डीआरटी में, डेट रिकवरी टेबल में, या ड्रैट में, डेट रिकवरी एप्लेट टेबल में, वहां पे अब बैंक के बदले किसका नाम आ जाएगा? एआरसी का। सो दिस इज सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
How are the rights or interest in financial assets acquired under SARFAESI Act? Section 5 पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ first box. दो तरीके होते हैं, या तो qualified buyer से fund raise करके या फिर कोई agreement bank के साथ enter करके, and such agreement will be exempted from stamp duty. ठीक है, बस मैं भी एक छोटा सा चीज और पढ़ाऊंगा, एकदम छोटा सा, मतलब जरा सा. ये सेक्शन नंबर 5 ये दिख रहा है, ये नहीं पढ़ाऊंगा अभी, इसके इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा. छोटा सा देखो कितना छोटा है. अच्छा, बैंक वाले ने एनपीए को बेच दिया ना, तो बैंक कम से कम एनपीए को बताएगा ना कि देखो तुमको बेच दिए. ठीक है, एआरसी जो है वो नोटिस भेजेगा ना, एक एआरसी विल सेंड अ नोटिस टू द एनपीए कि देखो तुमको मैंने खरीद लिया है. एनपीए को क्या बोलते हैं, ओब्लाइजर. ठीक है, तो बैंक वाला नोटिस भेजेगा एनपीएस लोग के पास कि यू पीपल हैव बीन सोल्ड. ठीक है, और एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं, एक रजिस्ट्री है जिसका नाम है सर्जेई, उसमें भी डेटाबेस में जमा करना पड़ेगा. इसका नाम बहुत लंबा है सर्जेई का, और तुम सोचोगे कि उसके फुल फॉर्म को कनेक्ट करके बनाओ, नहीं बना पाओगे. इसका फुल फॉर्म को कनेक्ट करके कुछ बनाओगे तो एक रशियन वर्ड बन जाएगा. तो ये लोग क्या किए, प्रोनाउंसिएशन को इजी करने के लिए सर्जेई बोल दिए. ठीक है, सी से सेंट्रल, ई से कुछ नहीं, आर से रजिस्ट्री, सही, एस से सिक्योरिटाइजेशन, ए से एसेट रिकंस्ट्रक्शन. अब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का खाली आई उठा लिया, प्रोनाउंसिएशन में इजी रहेगा सर्जेई. ये एक सेंट्रल डेटाबेस है को, ये बात सुन लो, ये सेक्शन सिलेबस से हटा दिया है, पर मैं बता देता हूं, एनी बैंक और एफआई और एआरसी व्हेनेवर दे डू एनी ट्रांजैक्शन, एनी ऑफ द थ्री ट्रांजैक्शन अंडर सर्फेसी एक्ट, दे विल हैव टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द थ्री ट्रांजैक्शंस इन द सर्जेई. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बैंक वाले एआरसी इसको एनपीए को बता देंगे कि यू आर सोल्ड, और सर्जेई को बता देंगे. अब से वो एनपीए किसको पेमेंट करेगा, बैंक को कि एआरसी को? अब से वो ओब्लाइजर बैंक को पे करेगा. ओब्लाइजर का मतलब बोरोवर जो एनपीए बन चुका है. ठीक है, यहां पर स्टॉप करते हैं.